कुछ कुछ व्यक्तियों का प्रश्न है, बोले भैया भागवत में भागवत राधा जी का नाम कहाँ है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु उनके अनुयायी लोग कहते हैं भैया भागवत में तो राधा जी को छोड़ कर और कुछ है, भागवत में तो राधा ही राधा और क्या है, उसमें तो और कुछ है ही नहीं। जैसे भागवत का जो प्रथम श्लोक है, बोले जन्मा दस तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवय वही हंति जत सूरयो तेजो बारी मृदा मुझा विनिमयो जत्र त्रिसंग मृषां ध्यामना स्वीन सदा निरंत स्वतम सत्यं परम धीमहि। बोले सत्यं परम धीमहि बोल करके जिनको ध्यान करते हैं, ये परम शब्द का मतलब क्या है, बोले कृष्ण का जो पराशक्ति श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी कौन है, बोले जन्मा दस्य जतः, बोले जिनसे ये श्रृंगार रस आदि रस जिनसे प्रकट होता है, और जिनने कृपा करके श्री ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ तत्व को उन्होंने स्फूर्ण करवाया। इसलिए ये पहला श्लोक में राधा जी की वंदना करते हैं, कहते जो भागवत में जो गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, बोले जयति तिथिका जन्मना प्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही दैत दीक्षुता दीक्षुता पता कोई त्रिका सभा वापिते सते। जय सीते थी कम जन्मना ब्रज गोपियां कह रही है श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज में जन्म लियो हो ब्रज की जयजयकार हो रही, तब से ये वृंदावन धाम श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, तब से ये वृंदावन धाम राधा रानी की एक क्रीड़ा बन गई। कहते ये रासलीला का जो प्रथम श्लोक है, बोले भगवान अभी तरात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंत मनश्चक्री जोग माया उपाश्रिता। जब कृष्ण रासलीला प्रारंभ करते ही राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई होती, श्याम सुंदर जाकर के राधा जी से बोलते हैं राधे रास प्रारंभ है गये हुए, तुम तो रासेश्वरी हो, तेरे बगैर रास कहाँ संभव, कृपया रास में अपना। जब राधा रानी आती है फिर जाकर भी ये रास प्रारंभ होती है, इसलिए रासेश्वरी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत का जो रासलीला में कृष्ण भी थे वहां पर सत करोड़ गोपियां भी थी, लेकिन जब श्री राधा रानी चली जाती है और रासलीला बंद हो जाती, कब हो गया, जब गोपियां ढूंढते ढूंढते श्री राधा श्याम सुंदर को ढूंढते हैं, कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में एक सुंदर एक प्यारी चरण को देखते हैं, बोले अनया आराधित नुनम भगवान हरि ऋषभ। बोले देखो यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी, लेकिन कृष्णा अकेले किसको लेकर गए, बोले यही सखी को लेकर गए, जरूर ये सखी विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना की है, इसलिए वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले ये श्रीमती राधा रानी, बोले जिस समय कृष्ण अंतर ध्यान होने पर गोपियां जब गोपी गीत गाती फिर कृष्ण मनमथ के मनमथ रूप लेकर कृष्ण प्रकट हुए, जब प्रकट हुए कुछ गोपियां तो आकर के कृष्ण को गलबे ही दिए, किसने आकर के हाथ पकड़ लिया, किसने आकर चुंदरी पकड़ लिए, किसने उनको अधरा मृत मांग रहे, लेकिन कुछ गोपियां दूर में खड़ी होकर के देख रही है, पास में फटक नहीं रही,
लेकिन एक गोपी तो दूर में खड़ी होकर के बोले, एका प्रकृति मा बाध्या प्रेमा संप्रत पीवला। एक गोपी तो तेरे से चित्तवन से कृष्ण को टेढ़ी नजर से देख रही थी, बड़ी आग को भ्रुकुटी मारते हुए, लेकिन कृष्ण का ध्यान कहीं नहीं। कृष्ण का ध्यान कहाँ पर था? वो जो अकेली गोपी बड़ी क्रोध से देख रही है, हैं? कहते जो दूर में जो खड़ी हुई थी बोले ललिता विशाखा है, और कृष्ण को पास में जो आए बोले ये चंद्रावली का दल है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण केवल राधा रानी को दर्शन कर रहे थे, गोपियां दूर से दर्शन करते करते धन्य धन्य कर रहे थे, बोले देखो भले ही उनका कोई चरण पकड़ो कोई पाम पकड़ो, लेकिन कृष्ण किसको प्रति दर्शन कर रहे? बोले श्री राधा रानी का प्रति, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए भागवत में कहते राधा जी के बगैर भागवत कुछ है ही नहीं, सर्वत्र राधे राधे। इसलिए कहते कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण की बाल्य लीलाओं को दर्शन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। अभी कृष्ण 3 महीना की हो गई, एक दिन अपने आप कृष्ण करवट ले गए, मैया की खुशी की ठिकाना नहीं रही, बोले लाला में ताकत आ गया है, आज हम घर में उत्सव मनाएंगे। सब ब्रज गोपियों को बुला करके अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही था सबके सब बैलगाड़ी के ऊपर में रख लिए, और रख करके कृष्ण को दूर में ले जा दिया। क्यों? अभी गोपियां गीत गावेगी, कच्चा ईंट टूट जाएगा तो लाला रोएगा, फिर किसको क्या लेना देना, बहुत सारी गोपियां आएगी। इसलिए गोपियां बैठ करके बड़े सुंदर कृष्ण की भक्ति पूर्वक भजन गा रहे थे, बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला बिली तेरी पकड़े रंग लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला बिली तेरी पकड़े रंग लाला इतने में कृष्ण का कच्चा नींद टूट गई। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया मेरे उत्सव का उपलक्ष्य करके भजन हो रही है, फिर मेरा ही नाम की भजन सब कुछ मेरे को लेकर के, मैं तो यही आनंद लेने के लिए वैकुंठ छोड़ करके आया, और मेरे को कहा देखो भजन से कहा अलग कर दिया। अभी कृष्ण अपना भजन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अभी कृष्ण का उम्र केवल 3 महीना का, अभी घुटन पर अभी चलना प्रभु को नहीं आता, अभी बच्चों का बल रोना रोना, अगर बच्चे रोए तो मैया फिर उठा करके ले आती। कृष्ण ने सोचा था रो लो, मैया सुन करके उठा करके ले आएगी, कन्या तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। लेकिन मैया इतने लेन देन में लगी हुई थी, मैया को कान में आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्ण सोचा भैया कब तक रो, इतना तो रो ही लिया। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा कर दिया, और कंस ने एक शकटासुर को भेज दिया। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्पन्न था। एक दिन लोमर से ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए सारे बाग बगीचा को उन्होंने उजाड़ दिया। ऋषि को तो क्रोध आया, बोले भगवान इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए संतों की बाग को उजाड़ने के लिए? बोले जा तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान उस तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा। देखते देखते उसका शरीर गायब होने लग गया, सारी नशा उसको उतर आई, संतों के चरण में गिर पड़ा, संत दयालु होते हैं। बोले ठीक है जा, तू गोकुल में है, जब कृष्ण गोकुल में जन्म लेंगे उनकी चरण स्पर्श से तेरे को मुक्ति मिलेगी। अभी कंस ने ये संकटासुर को भेज दिया, इसका शरीर था,
उसने देखा भैया कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए, सोचा बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो जाओ और धीरे 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 दबाते 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 ऐसे दबा दो कृष्ण पीस जाए। कृष्ण देखा भैया मामा जी आए, कंस मामा, उसकी संबंधी सब मामा लगते ही। इतने में कृष्ण अपना सुंदर चरण को उन्हें धीरे 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 चलाया और चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारी, पूरा गाड़ी पलट गई, सबके सब फसलस हो गए। फिर मैया, फिर ब्रजवासी बोले भैया पलटी तो पलटी कैसे, कोई आंधी तूफान तो है ही नहीं। देखा लाला ठीक ठाक है। इतने में फिर कृष्ण को लाए, फिर कीर्तन को बीच में लेटा दिया, फिर कीर्तन करना शुरू कर दिए। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरे कलरे रंग काला। देखो इसमें ठाकुर जी क्या सिखा देते हैं, बोले देखो भैया अगर घर में उत्सव हो ना, भगवान को यहाँ से अलग मत किया, उससे भगवान को भी सम्मिलित कर लो। हैं अभी कृष्ण ने कहा मेरे लिए उत्सव सब कुछ और मेरे को अलग कर दिया, इसलिए भगवान ऐसे चरण की ठोकर मारे, पूरा दूध दही को उनने तसनस कर दिया। तात्पर्य है अगर भगवान को ले करके कोई काम करना, वो काम तो बढ़िया होगा, अगर प्रभु को छोड़ करके कोई काम करोगे भैया बिगड़ेगा बिगड़ेगा, वो कभी संवारेगा नहीं, वो बिगड़ेगा। इसलिए जो कुछ घर में करो, जैसे बच्चे का बर्थडे बनाओ, शादी की सालगिरह बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्या करो ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग लगाओ, ठाकुर जी के लिए भी कपड़ा लाओ, उनको भी श्रृंगार करो। जिसने सब कुछ दिया उनके लिए नहीं, जिसने कुछ दिया नहीं उनके लिए सब पूरा के पूरा उसके लिए करते, भगवान के साथ कोई मतलब नहीं रखते। इसलिए हर कुछ करो ठाकुर को लेकर करनी चाहिए। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, जब कृष्ण बड़े हुए अभी नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई एक नाम करना हो जाए, क्योंकि जिसकी मुंह में जो आए लाला को ऐसे ही पुकारता है। इतने में श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं भैया लाला तो मेरो है, लेकिन नंद बाबा सोच रहे भैया लाला तो मेरो है, दोनों ही सोच रहे लाला मेरो है, दोनों को ही लाला है। एक दिन श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बुलाए, बोले गर्गाचार्य जी आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, सब जानते हो ये लाला मेरो है, मैंने राता रात तुम्हें रख करके आ गया, लेकिन नंद बाबा क्या सोच रहे हैं, बोले बोले लाला मेरो है। जब कोई बच्चा का नामकरण होता है नियम है ऐसे नामकरण नहीं करनी चाहिए, जो आए मुंह में सो रख दे, नहीं नियम है बेटा का ऐसे नामकरण हो जिसमें उसको पिताजी और उसकी पिताजी का नाम, जैसे राम है, राम का पिताजी का नाम क्या है, अब बोल सकते हो राम का पिताजी का नाम क्या है, बोलो जोर से, दशरथ। दशरथ है, इसलिए दशरथ इसमें जो र अक्षर वहां से लिया, इसलिए पहला अक्षर बोला रा। और दशरथ महाराज के पिताजी का नाम कोई नहीं जानते, उनका नाम अज, इसलिए वहां से लिया अ, इसलिए प्रभु का नाम रखा रा और म। उसी तरह कृष्ण, कृष्ण का पिताजी का नाम क्या है, कहते श्री नंद बाबा, स्ना में जो न है वहां से ना लिया, बोले उनको पिताजी का नाम बोले परजन बाबा, वहां से लिया र, इसलिए उनका नाम क्री में जो री माता वहां से लिया, इसलिए इनका नाम हो गया कृष्ण। इसलिए पहले ऐसे विचार करके नाम रखते थे, हैं? इसलिए श्री गर्गाचार्य जी को श्री वसुदेव महाराज बोले आप थोड़ी सी वृंदावन में जाओ और मेरे लाला का नाम कर्म करके आओ और ऐसे एक नाम रखियो जो नाम मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ हो। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य आज प्रभु का नाम कर्म करने जाएंगे और ठाकुर जी के नन्हे नन्हे चरण है, नन्हे नन्हे हाथ है, हैं ठाकुर जी, प्रभु जी आप इधर बैठ सकते हैं, इसलिए उनके नन्हे नन्हे चरण और हाथ है। ठाकुर जी जब गोद में लूंगा, दाढ़ी पकड़ेंगे, कपड़े पकड़ेंगे, नोचेंगे जैसे छोटा बच्चा होता है, और भगवान को गोद में लेना कोई साधारण बात थोड़ी है। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए और श्री नंद बाबा का घर में आए,
नंद बाबा देख करके इतने खुश हो गए, बोले भैया आज मेरे घर में संत आए, हमारा तो भाग्य जग गया। नंद बाबा कहते हैं, बोले महात विचरणा मंदिरणा कृणाम दीन चेतसा निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित। बोले संत लोग हमारे घर में क्यों आते हैं, कुछ लेने के लिए ना कुछ देने के लिए? बोले कुछ देने के लिए हमें आते हैं। बोले क्या वो हमें क्या देंगे, हम तो उनको खिलाते हैं पिलाते हैं प्रणाम ही देते हैं, वो क्या हमें देते हैं? बोले नहीं भैया, वो तो एक बहुत बड़ी चीज देने के लिए आते हैं। कौन सा चीज देने के लिए संत आते हैं? हमने जो मातृगर्भ में भगवान से जो वायदा किया था, प्रभु आप हमें ये मानव शरीर दे रहे हो, अब तो हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। इसलिए ठाकुर जी कहते अगर बीच बीच में भूल जाओगे ना, मैं संत रूप में आकर के तुम्हें याद दिलाऊंगा। कितना माला कर रहे हो, कितने ठाकुर को याद, और कितने समय टीवी देखते हो, कितने समय इधर उधर बात को घुमाते हो। संत लोग हमें जगाने के लिए आते हैं। बोले उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरार निबद्धत, उठो जगो, जगते हुए क्या करो? बोले भगवान की भजन करो, भगवान का नाम लो। एक बार हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए श्री नंद बाबा प्रसन्न हो गए और अपने आप बोल पड़े, बोले दुर्गाचार्य जी आप कृपा करके जब आए हो, लाला का पूरा नामकरण करवा दो, वो तो आए थे इसलिए नामकरण कराने के लिए। बोले ठीक है। इतने में मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम को दोनों बच्चों को लेकर के आए। पहला बड़ा बेटा का नामकरण करेंगी। इतने में श्री गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए कि कौन है। बोले शंकर सन कारण तो साई गर्भोत साई चपयति साई शशांश जस्यांश सकला नित्यानंदाख्य राम शरण प्रपत्ति। अपना दिव्य दृष्टि से देखा है ये साक्षात अनंत देव, जिसने विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर एक सरिस जैसे धारण करके रखे। इनसे जितने सारे कारण गोसाई गर्भोद गोसाई खिराब दिशाई से सब के सब इनसे प्रकट होते हैं। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहित गुण। बोले देखो इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम नहीं होगा। बोले ये सबको है बलाधिख्यात बलम दिगो, बड़े ताकतवान होगा है इसलिए उनका नाम बल होगा। बोले राम होगा मतलब सबको आराम देगा, सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम होगा। बोले किस चीज की बल प्रदान करते हैं? बोले भक्ति की बल प्रदान करने वाले श्री बलदेव प्रभु है, इसलिए इसका नाम होगा एक शंकर सर। पहले ये देवकी गर्भ में आए, इनको जोग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया है, इसका एक नाम श्री शंकर सर होगा। बोले श्री दाऊ भैया अभी कन्हैया का नाम कर्म करेंगी। गर्गाचार्य जब ध्यान लगाए पूरा ध्यान ही लग गई, इनका आंख ही नहीं खुल रही थी। बोले क्यों? बोले अगर जिसका एक दो चार पांच नाम हो फिर तो नाम रख लो, लेकिन दुनिया में जितने नाम तो सब इन्हीं का है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इनके अनंत नाम ही अनंत नाम इनकी। अभी कौन सा नाम रखे चक्र में बढ़ गए। और क्या देखा, इनसे जितनी अवतार मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह सबके सब इनसे प्रकट हो रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड देखा उन्होंने, अंदर ध्यान एक बार डूब गए, आंख नहीं खोल रहे थे। नंद बाबा तो व्याकुल हो रहे, भैया लाला का नामकरण किया होगा, ये तो आगे नहीं खोल रहे। उन्होंने इसका हाथ को हिलाया, बोला अरे बताओ ना ये लाला का नाम क्या होगा? तब श्री गर्गाचार्य कहते हैं, बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृहो मनुजुगम तनो शुक्ल रक्त स्थापित इदानीं श्रुतां। नंद बाबा
कृष्ण कहते ददा ददा ही धर्मस्य क्लांति भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हम हर युग युग में आकर के इस धर्म को स्थापन और दुष्टों को संहार करता हूँ। ये सत्य युग में तेरे ये बेटा ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था और तृतीय युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था। जब ये कली युग आएगा ये श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे और संपूर्ण विश्व में भगवान का नाम को सारा दुनिया में ये प्रचार और प्रसार करेंगे। और इदानी अभी कृष्ण काम कर रहा, अभी ये कृष्ण रूप में आए इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। बोले भैया कृष्ण का मतलब क्या? बोले काला, क्या कोल्टर जैसे काला? बोले नहीं, भगवान को उदाहरण दिया नव जल धर घन श्याम, जैसे आकाश में जब इकट्ठे हो जाए ना जो घना काल बादल है जिसको नील मणि को साथ में उदाहरण दिया है। बोले भैया कृष्ण काले के कारण क्या? बोला बहुत सारे रंग को मिला, देखना सब अलग अलग रंग होगा लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला तो देखना सारे रंग को अपना लिखा है। इसलिए भैया काले रंग के ऊपर ना कोई रंग नहीं चढ़ता है। मतलब है एक बार अगर कोई कृष्ण भक्त में डूब जाए बोले चढ़े ना तुझे रंग, उसको पर कोई रंग ही उसको पर में काम नहीं करता है। इसलिए कृष्ण काले है और बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। भगवान को बताए हे कृष्ण करुणा सिंधो, को करुणा की समुद्र है और मैं का एक नाम है करुणा। जब घना बादल हो जाता है ना इसलिए जैसे करुणा की कृपा की घनत्व, इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण बड़े दयालु, कृष्ण बड़े कृपालु है इनका नाम, इसलिए कृष्ण नाम पड़ा। कृष्ण मतलब सुंदर भी होता है। इतने में वो बता रहे थे बोले देखो नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना बोले बहुनी संति नामानी, इनका इतने नाम इतने रूप इतने गुण जिसका वेद भी जिसका था नहीं पता है। अनंत देव अनंत समय से अनंत प्रभु की महिमा को तो गा रहे हैं लेकिन अभी तक भी जिनका था अनंत देव भी नहीं पाए, ऐसे इनके नाम रूप गुण है। ये हर युग युग में आता है, कभी सत्य युग में अकाल पड़ गया ये पृथ्वी महाराज का रूप में आकर के विश्व ब्रह्मांड को रख्या किया। हर युग युग में तेरे लाला आते हैं। जब ये बात को बता रहे थे वहां पर श्री मैया जसोदा भी बैठी हुई थी। जसोदा सोच रही थी ये पंडित जी ये कोई काम की बात ही नहीं बता रहे, ये सत्य युग में ये था तृतीय युग में ये था, अरे हमारा क्या मतलब है, हमारी काम की बात बताओ ना। बोले देखो माताएं क्या सोचती है, माताओं का क्या भावना है, घर में बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, बेटा की शादी हो जाए और घर में बहू आ जाए। क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना माताओं को घर का सारे काम काज करना पड़ता है, लेकिन घर में बहू आ जाए तो फिर क्या होता है, बहू सारे काम को बहू कर लेती है। इसलिए मैया जसोदा सोच रही थी भैया ये पंडित तो कोई काम की बात नहीं बता रहे, अरे ये तो बताओ बेटा का शादी कितना होगी कहाँ होगी कैसे होगी ये बात तो बताओ। मैया बेचारी बड़ी भोली भाली, इतना संस्कृत तो आता ही नहीं, देखो अपना मनमानी अर्थ लगा रही थी। एक श्लोक दो अर्थ और देखो वो कह रहे बहुनी संति नामानी, लेकिन मैया जसोदा सोच रही थी शायद ज्योतिष ये बता रहे हैं बहुनी संति नामानी तेरे बेटे के बहुत बहू हुई। आप खुश हो गए क्योंकि पहले पहले राजा है ना बहुत शादी करता था, जो जितना शादी करता था उसको उतना जगत में नाम होता था। बोले बाबा रे आप लोगों ने सब शादी किए हो, कौन कौन शादी किए हो, सबने सब शादी किए हो, आप देखना एक पत्नी को साथ में जीवन अगर किसी तरह से बीत जाए ना समझो गंगा में नहा लिया, आपको संसार घर गृह चलाते कि नहीं, एक संसार चलाना कितने परेशानी आप समझते हो, एक स्त्री को सारा जीवन रखना और जो बहुत सारी स्त्रियों को रखे सब बोलते थे बाबा रे
इतने सारे स्त्रियों को शादी करके इनको मेंटेनेंस कैसे कर रहा है, इनको संभाल कैसे रहा है, इसलिए नाम होता था। इसलिए कृष्ण जब द्वारका में गए, कितने पटरानियां थी, 16,108 पटरानियां थी। और जो ब्रज में कृष्ण रहते हैं, रास तो 70 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु करते हैं, और हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, कृष्ण मेरे पास में, सबके सब ये अनुभूति कर रही थी। जब उन्होंने बोले तुम्हारी बेटा बहुत सारी बहुएं हो, बोले खुश हो गई, बोले जितने बहु हो तो उतना तो सास की सेवा करेगी ना, अच्छी बात है। और नाम इनके अलग अलग, और वृंदावन में राधा रानी तो थी, ललिता, विशाखा, चंपक लता, तुम्ब विद्या, चित्रा, सुचित्रा, रंग देवी, सुदेवी, रूप मंजरी, रति मंजरी, कितने नाम। और जो द्वारका जाते हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जाम्बवती हैं, कितने उनकी पत्नियां हैं। मैया तो खुश हो गई, बिल पंडित अभी सही बात, काम की बात अभी पंडित बताए, खुश हो गई मैया जशोदा, खुश हो करके। और श्री गर्गाचार्य बोले देखो नंद बाबा, रमा किरण अभूत नृप, बोले हे राजा जब श्री श्याम सुंदर आएंगे, उनने छुपा करके राधा जी का नाम भी ले लिया, बोले कृष्ण अकेले नहीं आएंगे, श्री किशोरी जी को साथ में श्री राधा रानी भी आएगी जब कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे। मैया खुश हो गई, उन्होंने गर्गाचार्य का चरण में श्री कन्या को ले जाती, बोले लाला को आशीर्वाद दो, और उन्होंने बढ़िया सुंदर उन्हें दक्षिणा दी है, गर्गाचार्य को सुंदर दक्षिणा दी, और गर्गाचार्य प्रसन्न होकर के उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद ऊपर से करते हुए श्री गर्गाचार्य चले गए। जब चले गए, अभी ब्रज के जितने गोपियां थी तब पूछे, बोले भैया लाला का नाम ज्योतिष ने क्या रखा है, बोले बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण नाम इतने टेढ़े है, जब तक जीवा 3 बार पलट नहीं जाए तब तक मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलता। बोले कोई बात नहीं, पत्रिका में तो ये नाम रहे, लेकिन अपना घर का नाम रख लेंगे, बड़ा बेटा का नाम बलुआ और छोटा बेटे का नाम कलुआ। बोले श्री कलुआ बलुआ की। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण बलराम दोनों भैया को बड़ा सुंदर श्रृंगार श्रृंगार की, तो अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो आए क्या बोले, बोले राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ब्रज धूल जमी जाए। जो आते हैं ना वो सबके सब एक ही बात कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं ब्रज में, सबके सब बोलते हैं रसखान कहते हैं, रसखान कहते हैं। बोले रमन रेति ले तो नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन तू क्या समझो ब्रज की तत्वमान। ब्रज में जाकर के दो काम जरूर करनी चाहिए, बोले क्या दो काम है, बोले पहला काम है रमन रेति में जाकर के लौट को दुखानी चाहिए, क्योंकि वहां जो धूल साधारण धूल नहीं, ये ब्रज रज है। बोले दूसरा काम क्या करनी चाहिए, यमुना में आचमन लेनी चाहिए, यमुना में स्नान करनी चाहिए, जरूर ये दो काम करो। बल जब तक ये दो काम नहीं करते ना भैया, ब्रज की महिमा को तुम समझ नहीं सकते हो। अभी एक दिन कृष्ण सोचा भैया ब्रज में जो आ यही चीज कहते हैं। एक दिन कृष्ण ने क्या की, वो ब्रह्मांड घाट में गए और मिट्टी खाना शुरू कर दी। सखाओं ने समझाया, बोले कन्हैया तू मिट्टी मत खाया कर, पेट खराब हो जाएगी, लेकिन बात नहीं सुन, खाते खाते ही जा रहे। सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया आज कन्हैया इतने मिट्टी खा रहा है, किसका बात नहीं सुन रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोले अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया लठिया लेकर टा गई और सीधा कान को पकड़ी, बोले क्यों रे चोर चोटे अपवित्र, बोले जिनका नाम लेने पर, बोले बाह्या भयंकर सूची, बाहर भीतर जो पवित्र हो जाती है, लेकिन मैया कहती तू अपवित्र, तू गंदा बच्चा, तुमने मिट्टी कैसे खाई। बोले बोल तुमने मिट्टी खाई, कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए। बोले ना अहम भक्षितवानं हो
सर्वे मिथ्या विसर्जनम बलबल्ला। ये जितने सखा लोग ना सब झूठ बोलते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग जो बोल रहे हैं, बोले सखा बताओ कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं। बोले मैया अपने आंखों से देखो, कन्हैया मिट्टी खाए हैं, मिट्टी खाए। कृष्ण ने कहा मैया जानते हो आज कहा भयो। बोले कहा भयो। बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से मालपुआ मिठाई लड्डू चोरी चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज खाता ही नहीं। मैया बोले मेरे को अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता हैं। बोले मैंने खाया नहीं, समझ गए ये तो घर में जाकर चुगली करते हमारी घर में, और मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली करती। बोले मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले ताऊ तू बताओ, ताऊ तो कभी झूठ बोलते नहीं, कृष्ण खाए कि नहीं। बोले मैंने देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, पर कृष्ण कहाँ जाएंगे। बोले मैया दाऊ भैया को ऊपर में देखने से तो लगता है गोरो है, लेकिन अंदर में बड़ी काले है, और ऊपर से मैया में तो काला हूँ लेकिन अंदर से बड़े गोरो हूँ। देखो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। बलदेव प्रभु ऊपर में गोरे अंदर में काले, मतलब क्या। वृंदावन में कभी जाओगे देखोगे, कहीं भी बलदेव प्रभु को देखोगे ना कहीं गोरे नहीं देखोगे, सब सब काले देखोगे। क्यों? वो कृष्ण चिंतन करते करते काले बन गए। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं ऊपर तो काला हूँ लेकिन अंदर से गोरा हूँ, मतलब क्या। मेरे अंदर में राधा रानी बैठी हुई है, मैं राधा रानी को चिंतन करता हूँ इसलिए अंदर में गोरा हूँ और ऊपर में काला हूँ। इतने में मैया तो छोड़ने वाले नहीं। कृष्ण ने कहा देख मैया अगर मिट्टी हमने खाई तो मुंह से तो खाई। बोले हाँ। बोले तू मुंह खोल कर देख ले। मैया ये सोच रही थी, कृष्ण ये सोच रही थी अगर मैं बोलू ना मेरे मुंह खोल करके देख ले हो सकता है मैया मान जाएगी। लेकिन ये मैया मानने वाला कहाँ है। मैया तो एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। एक धमकी से तो कृष्ण का मुंह पट खुल गई और सचमुच से कृष्ण का मुंह में मिट्टी लगा हुआ था। अभी अभी तो मिट्टी गाय, कृष्ण सोच रहे हैं मुंह में तो मिट्टी ऑलरेडी है। अगर मैया को एक हाथ में डंडा और एक हाथ कान पकड़ रखी, अगर देख लिया ना ये डंडा एक भी नीचे नहीं गिरेगा, सबके सब पीठ के ऊपर में गिरेगा। अभी क्या होगा। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने उन्होंने किया कि छोटी सी मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया। कितने नदी, कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, कितने चंद्र, कितने सूरज, विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया। इतने में मैया जशोदा खुद को खुद अंतर में देख रही थी। मैया जशोदा तो डर गई, बोली ये क्या मैं अलाई बलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं। इतने में कृष्ण भी डर गए। बोले कृष्ण क्यों डर गए। बोले अगर मैया को ये विश्वास होगा मैं भगवान हूँ, जैसे घर में अपना नारायण के लिए छोटी सी घर बनाए और उसको अंदर में नारायण को रख लिए, थोड़ी सी उसमें मिठाई नहीं तो दूध भोग लगा करके और घंटा हिला करके, बोले तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुस्त सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रव्या तुमेव जैसे घर देती है मेरे के लिए भी एक छोटी सी मंदिर बना करके मेरे को भी अंदर में बंद कर देगी। फिर मैं जो सखाओं के साथ में खेलता लीला करता कर ही नहीं पाऊंगा। इतने में जब कृष्ण डर गए, इनकी इच्छा शक्ति जो माया ने फिर सब कुछ उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया, सब कुछ मुंह से अंतर ध्यान कर दिया। देखा कुछ नहीं, वही छोटी सी मुंह और कुछ नहीं। इतने में मैया ने सोचा मेरे लाला को अलाई बलाई तो नहीं लग गया। फिर गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून की मंत्र करके छिड़काव करवाए, भूत उतारे। हाँ देखो अच्छे तरह से सुनो। अब लोग बताओ कृष्णा मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो खाए थे ना। फिर कृष्णा झूठ क्यों बोले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेगा जब भगवान झूठ बोले कोई दोष नहीं। अरे भाई हम झूठ बोलते ना हमारी दोष है,
दुनिया यही बोलेगा ना। लेकिन यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भगवान को शास्त्र में बताया बोले सत्यम व्रत सत्य परम त्रि सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को त्रिसत्य सनातन बताए, ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण। अगर भगवान झूठा बोले तो दुनिया ही झूठा हो जाएगा। फिर अभी जो बोले, ध्यान से कृष्ण, अभी जो बोले, इसलिए कृष्ण जो विराट रूप दिखाया बोले मैया तू कह रही हो मैंने मिट्टी खाई, लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में, मेरे से थोड़ी कोई चीज अलग है। ऑलरेडी विश्व ब्रह्मांड मेरे में, खाना किसको कहते हैं? जब हमसे कोई चीज अलग हो उसको तो खाना कहते हैं ना, लेकिन ये दुनिया तो मेरे अंदर में, फिर मैंने खाया क्या? ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है ये संस्कृत शब्द है, ये शब्द को जब हम अलग करते हैं बोले ना अहम भक्सी तबानों को, हे मैया मैं नहीं मिट्टी खाई, लेकिन इसको जब अलग नहीं करके शब्दों को एक ही कर देते हैं वो शब्द होता है ना हम। ना हम का मतलब होता है ब्रह्मांड। बोले भैया तुम मिट्टी की क्या बात कहती हो, देख विश्व ब्रह्मांड मैंने खा करके रखा है, हैं? इसलिए कहते भैया भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। प्रश्न है फिर कृष्ण मिट्टी क्यों खाए? क्योंकि जो विश्व ब्रह्मांड कृष्ण की धूल के लिए, ये ब्रज रज के लिए ये विश्व ब्रह्मांड तरसते हैं। इसलिए भागवत में आता है उद्धव जी जब ब्रज में आई, ब्रजवासियों की जब प्रेम को देखा उद्धव जी क्या कहते हैं बोले आशा मोह चरण रेणु जुसान उद्धव जी कहते हैं बोले हे प्रभु मेरे को वृंदावन में किसी घास भूसा रूप में जन्म दे। तो बोले क्यों? बोले ब्रजवासी जब चलते हुए जाएंगी, गोपियां जब कृष्ण को साथ में मिलने के लिए जाएंगी, चल करके जाएगी, अगर मैं घास बना रहूंगा तो कम से कम मेरे सर के ऊपर इनका चरण धूल पड़ेगा। दूसरा चीज कहती यहाँ की लता पता हो गया। बोले लता पता क्यों होना चाहते हो? बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर ते रचयती नव जोन द्वंदमस्मी निमंत्र। अगर मैं लता बन करके रहूंगा, कृष्ण जब कुंजो में लीला करके प्रभु की कुंज लीला दर्शन हो जाएगी, बोले वहां पर वो औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते। बोले क्यों? बोले भैया ब्रजवासी के बीमारी में पड़ेंगे, दवा तो लेंगे ही, अगर दवा बन करके रहूंगा तो उनका हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा भी यही बात कहते हैं बोले तद भूरी भाग्य विहर जन्म की अटव्या। ब्रह्मा तो वहां के पत्थर जन्म लेना चाहते, अगर पत्थर जन्म होगा तो मेरे को पत्थर मान करके जब चरण रगड़ेंगे उनकी चरण धूलि पड़ेगा, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा के चुके इसलिए विश्व ब्रह्मांड ब्रज की धूल बनना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण आज प्रभु ने ये ब्रज रज को पान करते हुए बोले मैया मैंने अकेला थोड़ी ब्रज रज खाया, देख ले ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, ये दुनिया ये ब्रज रज के लिए तरसते है, मैंने विश्व ब्रह्मांड को ये ब्रज रज दिया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री बोले जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हरि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन
मैया
घर घर ले नहीं लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
जिनको अच्छा लगता है उनकी ताली बजाना। अच्छा यहाँ जिनके सास बैठे हैं उनका मन यहाँ नहीं है, वो घर पे पड़ा है, क्योंकि वो सोच रही है कि घर में कहीं बहू मलाई तो चुरा के ना खा रही है, केवल शरीर पड़ा है यहाँ। और मैं जो बोल रहा हूँ कौन कौन मास तो अच्छा लगता है किस किस को, तो हाथ नहीं उठाया। देखो मन कंट्रोल नहीं है। आजकल लोग मंदिर में जाते हैं तो चप्पलों को ऐसी जगह पर रखते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं वो भगवान जी भी दिखे और चप्पल भी, ठीक है। तो मंदिर में जाके स्तुति करता है कैसे, कि तमेव माता चपिता तमेव, यानी कि भगवान हो गए माता और पिता कौन हुए, जूते। एक बार भगवान को दिखता है, एक बार चप्पल को दिखता है, तो इसलिए मन कंट्रोल नहीं है। इसलिए कंट्रोल करके एक बार सभी लोग ताली बजा कर करेंगे। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया 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 मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया मैया, पीछे जो लोग बैठे हैं बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे, ताली बजा कर क्या बोल रहे हैं, एक बार हाथ उठाए सभी लोग, क्या बोल रहे हैं। ये तो हमारे प्रेम जी बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे, लेकिन जोर से क्या बोलना है और जोर से। आज देखो मैं तीन बार बोला लेकिन कोई कोई माता जी नहीं बोल रही, इसका मतलब क्या है मेरे को पता है, क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि उनके खसम का नाम आ जाता है। जब जब मैं कीर्तन कराता हूँ कोई माता जी बोलती है, कोई नहीं बोलती है। अच्छा आप बताएं, पुराने जमाने में जो माता जी होती थी, पुराने जमाने की माता जी जो है पति का नाम लेती थी क्या, लेती थी नहीं लेती थी। पुराने जमाने में माताएं कैसे बुलाती थी पति को, आजी सुनते हो जी, सुनो ना, ऐसे बोलती थी। लेकिन आजकल आजकल कैसे बुलाती है, आजकल ऐसी बुलाती है पत्नी अपने पति को, ऐसी बुलाती है जैसे कि आपने मुन्ने को बुला रहे है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, क्या कीर्तन था वो देखिए, कि काली मर्दन कंसन, अरे काली मर्दन कंसन कंसन, देवी नंदन तब शरण। पंडित जी रोज यही कीर्तन कराते थे, काली मर्दन कंसन कंसन, देवी नंदन तब शरण। और सामने एक माता जी बैठी थी बड़े सावधान करके, उनके संयोग बस उनके पति का नाम था देवकीनंदन, ठीक है।
अब देवकी नंदन था तो जो कीर्तन करा रहे थे पंडित जी उसमें देवकी नंदन आता था। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब माता जी वहीं पे ताल बिगाड़े, लय बिगाड़े, सुर बिगाड़े तो पंडित जी ने खटकरा लगा दी, जाओ पीछे जाके बैठो, रोज कीर्तन में लय बिगाड़ती हो, सुर बिगाड़ती हो, ताल बिगाड़ती हो, तुम पीछे जाके बैठो। तो माता जी जो है गुस्सा आकर के चली गई घर। अब घर पे जाके सोची कि भाई कथा छूट जाएगी, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही। अब उपाय क्या किया, उनके घर में दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम था चंपा और एक बेटी का नाम था पुष्पा। अब माता जी घर पे जाके रिहर्सल करी क्योंकि कथा छूट जाएगी, कीर्तन तो करना ही करना है, और वो एक ही कीर्तन कराते हैं रोज पंडित जी। अब तुम्हारे घर पे रिहर्सल कैसे किया देखिए, कि काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा सब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन पुष्पा के पापा सब शरणम। अब तो घर पे देखा रिहर्सल करके बिल्कुल ताल लय सुर नहीं बिगड़ रही, बिल्कुल सब बिल्कुल फिट। अब माता जी जो है दूसरे दिन बिल्कुल बनारसी साड़ी पहन करके फिर सामने आकर बैठ गए और पंडित जी कीर्तन करा रहे थे क्या, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। अब माता जी क्या गा रही है, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन पुष्पा के पापा शरणम। अब देखिए इसलिए मैं ये कहा कि किसी किसी के पति का नाम गोविंद है, किसी किसी के नाम कन्हैया है, किसी के पति का नाम देवकी नंदनी है, तो इसलिए कीर्तन में कई जगह नहीं ले सकती। तो इस प्रकार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ले सकती है, जैसे अजामिल ले लिया था अपने पुत्र का नाम, डायरेक्ट नहीं लिया भगवान का नाम, पुत्र को बुला रहे थे। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, सांकेतन पारिहासम स्तोभम हिरण में बाबा वैकुंठ नाम रहने नहीं अशेष अघ हरंग विदु। तो इस प्रकार कैसे भी नाम ले, भगवत नाम मंगल करता है, कल्याण करता है, कैसे भी ले ये कल्याण करता है। इसलिए आप लोग ताली बजा कर एक बार क्या बोलेंगे, पीछे देखो अभी भी नहीं उठा रहे हाथ, बात क्या है, हाथ नहीं है क्या, जिनके पास है वो उठाए, ना हो तो कोई बात नहीं, प्रेम से बोलेंगे एक बार ताली बजा कर, प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, जय श्री वृंदावन, प्रेम से बोलो, जय श्री वृंदावन, आवाज में आई हर में दुनिया, प्रेम से बोलो, जय श्री वृंदावन, 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 जय बस ये बड़े।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक दिन मैया यशोदा कृष्ण बलराम दोनों को बड़े सुंदर उन्होंने लड़झड़ श्रृंगार करवाया। श्रृंगार करके बोलो तुम दोनों बच्चों खेलो और मैं घर का काम करती हूँ। कृष्ण सोच रहे हैं भैया जो व्यक्ति आए वो एक ही बात मानते हैं ब्रज का धूल मिले, ब्रज का घास भूसा जन्म हो जाएगा। फिर ये ब्रज धूल में क्या चीज है। एक दिन कृष्ण बलराम पास में गया बंधे हुए थे, दोनों भैया गए वहां जितने कीचड़ था और जितने गोमूत्र और गोबर पूरा का पूरा शरीर को पोत लिया और दोनों भैया बैठे हुए। मैया बोली ये दुष्ट दोनों गए कहा, अभी तो यही कह रहे थे। बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो। बोले मैया हम यहाँ। बोले वहां क्या कर रहे हो। देखा पूरा शरीर गोबर कीचड़ से शरीर पोता हुआ। मैया को तो बड़ा क्रोध आया। बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान करके श्रृंगार किया और अभी अभी तुमने बिगाड़ दिया, दोनों बच्चों को कान पकड़े। बोले क्यों रे, लगता है तुम दोनों पूर्व जन्म में क्या सुअर थे, क्योंकि ये सुअर कौन मिट्टी में लोट लोट खाते, सुअर लोट लोट खाते, क्या तुम दोनों सुअर थे। कृष्ण अपना सर कैसे हिला रहे। बोले मैया पूर्व जन्म में मैं तो सुअर था, लेकिन तेरे को कैसे पता चला, क्योंकि भगवान ने सत्य युग में बराह अवतार लिया, ये जो बराह अवतार सुअर अवतार। बोले तेरे को कैसे पता चला है। इतने में फिर मैया दोनों बालकों को फिर स्नान करा के श्रृंगार करती है। आज भगवान गोमूत्र और गोबर और जो ब्रज रज है ठाकुर जी, इसकी महिमा ठाकुर दिखाए। देखो ये जो गोबर और जो गोमूत्र, अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके गोमूत्र और गोबर से कितनी दवा निकालते हैं है? और ये ब्रज रज की महिमा कितने महत्व, आज ठाकुर जी ये चीज को दुनिया को ठाकुर जी शिक्षा दे रहे थे। अभी कृष्णा एक दिन, कृष्णा और बलराम दोनों भैया एक दिन सारे सखाओं को बुलाए, ऊपर आगे बैठ सकते, सारे सखाओं को उन्होंने बुलाए। बुला करके भैया बोले देखो आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल है, कौन सा नया खेल खेलोगे। बोले देखो हम चोरी करेंगे। बोले गंदा बात, चोरी करोगे। बोले देखो रुपया पैसा का थोड़ी चोरी करेंगे, मक्खन की चोरी करेंगे, खाने पीने का चीज को चोरी करने पर उसको चोरी चोरी नहीं बताते। कृष्ण सोचा पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, मैं पकड़ में आता हूँ क्या नहीं। एक दिन कृष्ण अपना घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन नंद बाबा का जो घर है ना, कैसे घर है, हीरे जवाहरात से बना हुआ और जो पिलर मणि से बनी हुई। जब कृष्ण मक्खन में चोरी कर रहे थे, इतने में कृष्ण का जो परछाई ये मणि स्तंभ को पड़ने पड़ा। पड़ते ही अभी कृष्ण तीन साल के, उनको पता नहीं भैया ये परछाई भी कोई चीज होता है। कृष्ण अपना परछाई को देख रहे तो सोचे जैसे मैं मक्खन चोरी कर रहा हूँ, मेरे जैसे और कोई बालक भी घर में घुस करके मक्खन चोरी कर रहा है। कृष्ण सोचा ये तो मेरे को देख लिया, फिर मैया को शिकायत कर देगा। सोचा इसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। बोले दोस्त बनाए कैसे। बोले इसको कुछ खिलाओ और उसका हाथ से खाओ, फिर दोस्त बन जाएंगे। कृष्ण ने मक्खन लेकर के बोले देख भैया तू भी खा और ये मक्खन मेरे को भी खिला। लेकिन मैया को बोलना नहीं। इतने में वो परछाई भी वही बोला भैया तू खा मैं भी खाता हूँ, मैया को नहीं बोलना। कृष्ण ने कहा भैया तू मेरे घर में आकर के मक्खन चोरी करते हो और मेरे को उपदेश देते हो। वो परछाई ने ही बोला। अभी कृष्ण तो परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है नहीं, किससे लड़ाई कर रहा है। इतने में मैया आकर के देखा अपना परछाई से लड़ाई कर रहा था। इतने में मैया ने बोला कन्हैया तू लड़ाई किससे कर रहे हो। बोले भैया मैया भी देख लिया। कृष्ण छलांग लगाए, वो जो पिलर था ना पिलर को ऐसे पकड़ लिए। बोले मैया मैया घर में एक चोर घुस आए हुए। बोले कहाँ पर। बोले इसको अंदर में। बोले देखो ये लाला कितना भोला होगा, अपना परछाई को कह रहे घर में कोई दूसरे चोर आ गए।
बोले लाला ये बताओ घर में तो चोर आ गए लेकिन तेरे हाथ में मक्खन कहाँ से लग गए। बोले भैया ये भी बात सही है। बोले मैया तुमने मेरे हाथों में जो मणि की कंगन पहना दी थी ये गर्म हो गया था, मैंने मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले अपना हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में कैसे मक्खन आ गए। बोले भैया ये भी सही है। बोले एक चिट्ठी चल रहा था, वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया ना फिर तो मुंह में ये मक्खन लग गया। भैया बोले लाला तुम मेरे अकेले लाला हो, मैं जो कुछ बनाती हूँ तेरे लिए बनाती हूँ, फिर सब चोरी क्यों करते हो। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार चोरी किया तो पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर पकड़ा था। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। तुम ट्रांसलेशन कर सकते हो पता ट्रांसलेटर कैसे। हरे कृष्ण। इसलिए एक दिन कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे, गोपी पहले से ही मटके में मक्खन भर करके पहले रख रही थी। बोले आज कन्हैया आएगा ना, आज कन्हैया को मैं जरूर मैं पकड़ूंगी, क्योंकि कृष्ण को तो एक बार दर्शन मिलता है लेकिन कृष्ण फिर वहां से चले जाते हैं, फिर गोपियां विरह में दुखी हो जाती हैं। बोले आज कन्हैया जब मक्खन चोरी करने आऊंगा उसको मैं पकड़ूंगी और बांध करके रखूंगी और अच्छी तरह से निहारूंगी कृष्ण को बांध करके। कृष्ण इतने में धीरे धीरे आए, जब मक्खन खा लिया इतने में गोपी झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे, आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, घर में बांध करके रखूंगी। बोले रख के खंबे पुकर पर हाथ रख। इतने में कृष्ण खंबे के ऊपर में हाथ रखे, वो गोपी अपना चोटी से एक रेशम की रस्सी निकाली, जब कृष्ण को बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो बड़ा कोमल है, भगवान के हाथ मक्खन से भी कोमल है, लेकिन जब बांधने के लिए जाए ना वो खिसक जाए, बंधन में नहीं आए। इतने में कृष्ण कहते बोले गोपी कभी तुमने जिंदगी में बंधी गई हो। बोले नहीं। बोले जब तक जिंदगी में खुद बंधी नहीं जाओगे दूसरों को कैसे बांधोगे। बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है। बोले हाँ। बोले कन्हैया थोड़े बांध करके दिखा दे। बोले लग खंभे के ऊपर हाथ रख। जब हाथ रखे कृष्ण एक लपेटे फिर दो लपेटे फिर एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों को बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े कर्मी को भी अपना प्रेम रूपी रज्जु में उनको भी बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैंने किसको खोलना सीखा है, दुनिया को केवल अपना प्रेम में बांधना है सीखा। बस कृष्ण 9:2-11 बोले। ऐसे ही एक गोपी और रोज रोज शिकायत करे, बोले तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है लेकिन मैया मानती नहीं। बोले क्यों। बोले मेरे घर की क्या कमी है, जिनके घर में ना लाख गैया है। आप लोग नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हो देखना, वहां पर एक तालाब है जिसका नाम छाछ कुंड, मतलब वहां पर छाछ पीने वाले नहीं होते थे, दूध दही की नदी बहती थी, इतने वहां पर इतने छाछ हुआ करता था। एक दिन मैया जसोदा नंद बाबा से बोले, बोले लगता है मेरे लाला थोड़ा कमजोर हो रहा है। बोले लाला कमजोर हो रहा है। बोले हाँ। बोले आज मैं एक दूध का तालाब बना दूंगा और मेरा बेटा खूब दूध की तालाब में खूब नहाए खूब गोता लगाए और जी भर के दूध पिए। नंद बाबा दूसरे दिन उन्होंने दूध की उन्होंने तालाब बना दिया, उन्होंने इतने दूध दही की नदी बहा करती थी। मैया बोली मेरे घर में क्या कमी है, अरे मेरे लाला तेरे घर में मक्खन चोरी करने जाएगा, मैं नहीं मानती, रंगे हाथ उसे पकड़ा करके दिखा दे। बोले कल ही दिखा दूंगा। कृष्ण तो रोज जाते, वो गोपी पहले से ही मटकी में मक्खन धर कर कोने में छुप करके बैठी हुई थी। कृष्ण इधर देखे उधर देखे पीछे देखे, देखा कोई नहीं, जैसे बिल्ली चलती है ना ऐसे बिल्ली जैसे धीरे धीरे कृष्ण गए और कृष्ण मक्खन खाने लगे। गोपी कुछ बोली नहीं। बोले क्यों, मक्खन तो उन्हीं के लिए बनाया। बोले खा ले फिर तो मैं पकड़ूंगी। जब कृष्ण मक्खन खा लिया कृष्ण को झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे, मैया मानती नहीं तू मक्खन चोरी करते हो, आज तो रंगे हाथों से ले जाऊंगी।
बोले देख गोपी में तो सोच रहा था अपना घर में मक्खन खा रहा था, घर में खा रहा था, चलो आज मजा चखा था। बोले देख गोपी तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम का पाँव पड़ता हूँ, तेरी ननद की, तेरी जेठ की है, तेरी ससुर की छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा। बोले नहीं, चलो मैया के पास। जब लेकर के आई घर को, सामने नंद बाबा बैठे हुए, आपको पता पहले जेठ के सामने, वो जेठ थे, जेठ के सामने सब पर्दा करते थे, हैं पर्दा रखते थे जेठ के सामने। अभी तक भैया जेठ बैठा हुआ पर्दा रखा, छठ उन्होंने अपना पर्दा कर लिया और बच्चे को ऊपर से कपड़ा ओढ़ दिया। कृष्ण कौन है? भगवान है। जब उन्होंने कपड़ा को ओढ़ दी, ने बच्चे को भी ढक दिया, कृष्ण उसका बच्चे बन गए। और पीछे दरवाजा आ करके बोले मैया जसोदे। मैया बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला हमारी घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथों से मैंने पकड़ा करके लाया। मैया उसी समय कृष्ण को अपना घर में थपथप लगा करके कृष्ण को सुला रही थी। मैया बोली तो लाला तो घर में सो रहा है, उसको पकड़ करके लाई। मैया बाहर निकल करके आई, बोले क्या बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला को रंगे हाथों से मैंने पकड़ करके लाई। मैया बोली लगता है ज्यादा भांग की गोला खा लिया। अरे मेरे लाला तो घर में सो रहा है। बोले सो रहा है कि इसको पकड़ करके लाई? बोले तो तेरा बच्चा है। इतने में अपना घूंघटों को निकाली और बच्चे के ऊपर जो कपड़ा को खोली ना, देखा उसका बेटा है। बोले तू कहां से आ गया? बोले तू तो मेरे को पकड़ करके लाई थी। इतने में कृष्ण सो रहे थे, आंख को मलते मलते निकले। बोले मैया देखा ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं घर छोड़कर कहीं बाहर जाता ही नहीं और ये मेरे नाम पर झूठ बोलते। अरे झूठ बोलेगी ना, मैं सचमुच से कल से इसी घर में रो जाऊंगा। इतने में गोपी तो इतने शर्मिंदा पड़ गई। बोले भैया दरवाजा तक तो कृष्ण था, कपड़ा ढंगते बदल गया कैसे? इतने में वो गोपी जब जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले कहा बात है? देखा मैंने कितने तेरी पाम पड़ी, तेरे जेठ की, तेरे खसम की, तेरी नंद की, तुमने सुनी नहीं? देखा आज तेरे बेटे को मैंने चोर बनाया, अगर दूसरे दिन मेरे को पकड़ कर लाओ ना, तेरे खसम को चोर बना तू तो। वो बोली कन्हैया तो जीत गया, मैं हार गया और कभी तेरे को नहीं लाऊंगा। अभी ब्रज में एक नवेली नई गोपी शादी करके आई, लिखी पड़ी चालाक चतुराई। उसको पता चला कृष्ण तो घर घर में मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन किसकी पकड़ में नहीं आते। वो थोड़ी लिखी पड़ी चालाक चतुर थी। बोले मैं देख लूंगी कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करता है। उसने सवेरे सवेरे लड़कियां लेकर घर को सामने सीधा बैठ गया। इतने में कृष्ण सगवाल वालों को साथ में आए, एक चक्कर लगाए, लेकिन वो गोपी एकदम लठिया लेकर बैठी हुई हटती रही। फिर उन्होंने दूसरे चक्कर लगाए, वो गोपी हटी नहीं, वो बैठ हुई। जब वो तीसरी चक्कर लगा रहे थे, इतने में गोपी बोली कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, मक्खन कैसे चोरी कर लोगे? कृष्ण बोले मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था और तुमने मेरे को टोक दी। बोले तेरे सारे नाड़ी नक्षत्र में जानती हूँ कहाँ तू जाता नहीं जाता है। अगर कल आओगे ना इसी गली में, सीधा पकड़ करके मैया को पास ले जाऊंगी। कृष्ण तो दूसरे दिन वो गली ही में आना छोड़ दिए। कृष्ण डर में उसी गली में नहीं आए, एक प्रहर नहीं आए, दो प्रहर, तीन प्रहर, जब कृष्ण नहीं आए, ये गोपियों को कृष्ण के बगैर चैन कहाँ पड़ती? कृष्ण को देखे बगैर उनका चैन नहीं पड़ती है। इतने में गोपियां तो कृष्ण विरह में छटपट छटपट करने लगे। जब कृष्ण गैया चराते हुए आते ही कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसरी बजाते और कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके सारी गोपियां घर से बाहर आ जाती हैं और अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन करती है। और दर्शन करते समय देखना आंखों का पलक जब झपती है ना, पता नहीं चलता आंख का पलक कितनी जल्दी झपती है, लेकिन उतना समय भी गोपियों को लगता है त्रुटि जुगायते द्वाम मकोसता। हे कन्हैया मानो करोड़ों काल बीत गया तेरे को दर्शन किए बगैर, करोड़ों युग जैसे बीत गए, ऐसे उनको अनुभूति होती है। अभी वो तो कृष्ण विरह में तड़फड़ाने लग गई। बोले आज दिन भर वो मक्खन चोर का मुंह दर्शन करने को नहीं मिला। गोपियां तो झूठ के झूठ बना करके
मैया जसोदा के घर में आ गई, आकर के मैया को शिकायत करती है, बोले मैया लगता है हमें ये गोकुल छोड़ करके और किसी गांव में जाना पड़ेगा। मैया इधर, कन्हैया इधर है। मैया को शिकायत करेगी ना, लेकिन मैया की तरफ नहीं देख रही थी, वो देख रहे थे कन्हैया की तरफ में। बोले क्यों? वो बोले शिकायत करने नहीं आई थी, तो कृष्ण को देखने के लिए आई थी, उनको तीन बार दर्शन नहीं मिला, देखने के लिए आई थी। कहते मैया लगता है हमें तो ये गोकुल छोड़ करके और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करते हैं। बोले मक्खन चोरी करता है? बोले एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रखियो। बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर? बोले तू लाला का शरीर में जो अलंकार पहनाती हो, हीरे मुक्ता, हाँ, इससे अपने आप घर उजला उजला हो जाता है। बोले इसको उतार लेता। बोले तेरे सौगंध हाथ मत लगाइयो। बोले फिर क्या हुआ? बोले तेरे लाला की जो नथ है ना, ये जो नथ है इसमें इतने प्रकाश है, इसलिए उपनिषद कहते हैं जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधा विभूति विरता। जिसको ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी लोग, भैया ये ब्रह्म है कौन? बोले ये कृष्ण का शरीर की ज्योति प्रकाश, कृष्ण का नख में इतने प्रकाश है, जिसको ज्ञानी लोग, जिसको निराकार निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं जिसको। बोले तेरे लाला के नख में इतने प्रकाश है। मैया बोली एक काम करियो। बोले क्या? बताओ। बोले मेरे लाला छोटो से है, वो छीके के ऊपर में मक्खन रख लेना, मेरे हाथ फिर हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर? घर में कोई सीढ़ी कोई जीना बना करके रखे हो? बोले बनाने का जरूरत नहीं, परमात्मा तेरे लाला को इतने दिमागदार बनाया, वो स्वयं बना लेता है। कहते बड़े भैया ताऊ भैया मोटे छोटे उसको नीचे बैठा देते हैं, उसको ऊपर में श्रीराम, उसको ऊपर में मधुमंगल, और खुद ऊपर में चढ़ जाते हैं और उतार देते हैं। अगर हाथ ले गए ना, वो डंडा रखते हैं, वो डंडे से इसे मारते हैं, फोड़ देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते, पूरा टुकड़ा सटक जाते हैं। इतने में मैया बोली एक काम करियो, मेरे लाला जितने मक्खन खाता है मेरे घर से डबल डबल ले जा। बोले मैया तेरी आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं। फिर तो कृष्ण को दर्शन करते हुए फिर गोपियां घर में चली जाती। एक दिन गोपियों ने देखा ये कृष्ण को किसी तरह से हम पकड़ नहीं पा रहे, किसी तरह से पकड़ में नहीं आ रहे। बोले एक काम करो, ये जो छिके के ऊपर में एक बेल लटका दो, जो चोरी करेगा अपने बेल बजू थी, फिर पता चलेगा। जब कृष्ण मक्खन चोरी करने आए, देखा छिके के ऊपर में एक बेल लटक रहा है। कृष्ण ने कहा भैया तू है कौन? बोले मैं आपका सेवक हूं। बोले मैं कौन हूं? बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले ये बताओ, प्रभु का प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है? बोले प्रभु का आदेश पालन करना। बोले देखो, जब तक मैं मक्खन खाऊंगा तब तक बजना नहीं, जब मैं मक्खन खाकर चला जाऊंगा फिर बजियो। इतने में कृष्ण मटकी को उतार करके जब भोग लगाने के लिए गए, वो अपने आप घंटी बज उठी, हाँ घंटी अपने आप बज उठी। कृष्ण ने कहा तुम क्यों बज रहे हो? बोले प्रभु आप देखना, जब ठाकुर को भोग लगा तो घंटी बजाते ना, घंटी बजे बगैर ठाकुर को भोग नहीं लगता है। बोले प्रभु जी घंटी बजे बगैर थोड़ी आपका भोग लगता है, आप भोग लगा रहे हो ना, इसलिए आप बज रहा हूँ। कृष्ण तो फटाफट उठाए और वहीं से भाग गए। एक दिन एक गोपी ने बोली, बोले मैया, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को कहती है, बोले कृष्ण लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ कैसी शादी होगी? पूरा ब्रज ब्रज में हल्ला हो रहा है, तो घर घर में मक्खन चोरी करता है, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरी शादी वादी नहीं होगी। कृष्ण देखा भैया शादी के लिए तो दुनिया में सब कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, नौकरी चाकरी क्यों करते हो, दुकान वकान क्यों करते हो? देखना उसका एक उद्देश्य हमारा शादी हो जाए बढ़िया से, शादी के लिए तो सारे काम करते हैं। और मैया कहती है तेरी शादी नहीं हुई, तू कुंवारा के कुंवर रह जाओगे। कृष्ण सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं
मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की, फिर तो मेरी शादी हो जाएगी। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, भले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुन मैया आप लोगों ने इस भजन सुने होंगे, ये सूरदास के भजन है। कृष्ण देखो क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बोले भैया ये बताओ मैंने मक्खन कब चोरी किया, बोले भोर भयो गई अन्न को पाछे मधुबन मुझे बताओ, बोले हाँ, बोले चार प्रहर बंसी बेटा भट्ट को सांझ पड़े घर आयो, बोले हाँ, बोले दिन भर दिया जराया शाम को आया रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ गोद में सोया था, बोले मैया बता फिर मैंने मक्खन चब को चोरी, बता मैंने मक्खन कब चोरी की, बोले ये सब गोपियां और सखा लोग जो तेरे नाम पर तो शिकायत करते हैं, बोले मैया ये सखा लोग बड़ी बदमाशी है, खून तो घर खाते हैं और परव सब मुंह लपटाए चोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना दिया, बोले मैया ये बताओ मैं बालक बही अन्य का छोटो कहीं विधि छिके पाओ, मैं इतना छोटा सा बालक और मक्खन रखते हैं छिके के ऊपर, मैं बता मेरा हाथ कैसे पहुंचा, फिर मैंने मक्खन कैसे चोरी की, कृष्ण कहते हैं मैया लगता है मैं तेरे बालक है तेरा बेटा नहीं हूँ, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक कर गया और तुमने वहां से उठा करके लाए और मेरे को तुम पालन कर रहे हो, क्यों दुनिया मेरे को मक्खन चोर कहते हो, तू भी मेरे को मक्खन चोर कहते हो, लगता है मेरे बेटा है ही नहीं। जब इतना बोले ना फिर मैया का हृदय तो पानी पानी हो गया, मैया फिर कन्हैया को गोद में भर लेती, बोले लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं किया तुमने नहीं की, फिर कृष्ण उसको फिर बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खायो। देखो भगवान ये मक्खन क्यों चोरी करते हैं, इसकी तात्पर्य जो आप लोग समझो, इसका नाम है मक्खन। भैया मक्खन मतलब क्या, बोले मख मतलब होता है क्रोध, नह मतलब होता है नहीं। भगवान किस चीज को चोरी करते हैं, बोले मक्खन चोरी करने नहीं जाते थे, गोपियों की दिल को चोरी करने जाते थे, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक वो चोरी क्या करेंगे, सारा दुनिया तो उनका अंदर है, वो चोरी क्या करेगा, दुनिया तो उन्हीं की है, पर क्यों जाते थे, बोले गोपियों की दिल को चोरी करने जाते थे, उनके हृदय को चोरी करने ठाकुर जी जाते थे, इसलिए मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य नहीं, बोले ये किसके हृदय में नहीं, बोले संतों का हृदय में नहीं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले संत हृदय न बनी संतारी गाया नागनी का समाना
भैया संतों का हृदय ही मक्खन है और जगत में सबसे बड़े संत कौन है, बोले गोपियां। इसलिए इनका नाम गोपी, गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पीती रहती है, जो पान करती है, ये गोपी है। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, ये गोपियों का हृदय को चोरी करने प्रभु जाते थे। आप लोग मक्खन भी बनाते हो, कौन कौन घर में मक्खन बनाते हो, अरे कौन कौन बनाए मक्खन, आप लोग बनाए मक्खन बनाते हो, मक्खन बनाते हो। देखो यहाँ पर भक्तों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। अगर मक्खन बनाना तो पहले क्या करोगे, पहले दूध गला, दूध गला कर उसको पहले गर्म करो। बोले भैया गर्म का मतलब क्या है, बोले जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे, जब हृदय में ये उत्कंठा हो ना, इसको कहते हैं हृदय में ये गर्म दूध गर्म हो गया। लेकिन जब उत्कंठा हो, जब दूध गर्म हो गया, फिर क्या कर उसमें जमन डाल, जमन थोड़ा होने चाहिए, नहीं ज्यादा खट्टा हो जाएगा। बोले भैया ये जमन क्या है, बोले जमन है फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु जी की प्राप्ति होती है, और गुरु जी से जो दीक्षा मंत्र लेते हैं, जो ठाकुर का नाम लेते हैं, कहते यही जमन है, यही जमन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनो गुरु भवनी भी तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम हो। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे अगर कोई बन जाए, लेकिन अगर जीवन में वो सदगुरु को नहीं बनाए ना, कहते फिर भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए ध्रुव महाराज जी जब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत उतावला हो गए, बहुत उतावला हो गए, एक दिन बैकुंठ में श्री नारद जी बड़ा चंचल हो रहे थे। लक्ष्मी पूछा, प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो, बोले छोटा सा एक नन्हा सा बालक मेरे को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। बोले प्रभु जाओ ना उसको दर्शन दो। बोले उसने अभी सतगुरु ग्रहण नहीं किया है, अभी उसने गुरु नहीं किया है, जब तक जीव गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक मैं दर्शन नहीं देता हूँ। बोले प्रभु आपकी इच्छा से तो सब कुछ हो जाता है। तब उन्होंने श्री नारद जी को स्मरण किया, श्री नारद जी आए, फिर उन्होंने श्री नारद जी को बोले नारद जी जाओ ध्रुव जी को परीक्षा करके मंत्र दे कर जाओ। फिर श्री नारद जी आए, ध्रुव जी को बोले भैया ये क्या कर रहे हो, ये कोई भजन करने का उम्र है, तेरे पिताजी तेरे लिए पागल हो रहे, घर में जा, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे, घर में लौट जा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका नाम क्या है, बोले नारद है। बोले लगता है कोई अब डुप्लीकेट नारद, लगता है अब सही सही नारद नहीं, क्योंकि हमने सुना है नारद जी सबको भक्ति की उपदेश देते हैं, सबको भजन की मार्ग सबको बताते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हो घर में वापस चले जाओ, लगता है अब कोई डुप्लीकेट नारद हो। देखो ध्रुव जी क्या कहता है, बोले प्रभु जी अगर आप सचमुच से नारद है ना, अगर आप सचमुच से नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान हमें जरूर मिलेंगे। क्यों, जब तक किसी शुद्ध वैष्णव का संतों का दर्शन नहीं हो तब तक ठाकुर जी का कृपा नहीं होता है। आप जैसे संत महापुरुष का जब मुझे दर्शन मिल गया, मेरे को तो 100% गारंटी हो गया ठाकुर मेरे को मिलने वाले। लेकिन आप एक काम करो, केवल मेरे को मंत्र दे दो, फिर आप देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्षत्रियों का बालक हूँ, ठाकुर जी को प्राप्त करके ही रहूंगा। नारद जी बोले भैया चला ऐसे होनी चाहिए, डामाडोल चला नहीं हो सकता, चला ऐसे होनी चाहिए। फिर उन्होंने उनको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान करते ही, और उन्होंने यमुना में त्रिसंध्या स्नान करते हुए 6 महीना में उन्होंने भगवत दर्शन कर लिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यह
यहाँ पर जो चमन मतलब होता है, अभी सदगुरु जी से मंत्र मिल गया, अभी क्या करो, फिर उसको मंथन करो, उसको मंथन करनी चाहिए। भैया मंथन क्या है? बोले साधन। मंथन मतलब साधन करो। गुरु जी ने नाम ले दिया, अगर माला जहाँ के तहाँ लटका कर रख दिया भगवान भी जाएंगे। जैसे यहाँ से आप कलकत्ता जाना चाहते हो, नहीं तो बम्बे जाना चाहते हो, अगर कहीं जाना चाहते हो, आपने एक टिकट बनाया, अगर ये टिकट को पॉकेट में अगर रखोगे, क्या बम्बे कलकत्ता पहुंच जाओगे? बोलो, क्या पहुंच जाओगे? नहीं, नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए क्या करो, आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच नंबर देखना पड़ेगा, अपना टिकट का नंबर देख करके बैठोगे, फिर ये ट्रेन लेकर के आपको कलकत्ता नहीं तो बम्बे पहुंचाएगा। अगर टिकट को पॉकेट में अगर रख लो, क्या पहुंच जाओगे? नहीं। इसलिए नियम है, गुरु जी से जब हम माला लेते हैं, बोले गुरु जी माला नहीं दिए, ये माला रूप में स्वयं ठाकुर जी हमारे पास है। कहते ना, हरि से बड़ा हरि का नाम है। गुरु जी हमें नाम नहीं दिया, साक्षात भगवान हमें गुरु जी ने दिया। अभी क्या करो, अभी नियम करके हरि नाम करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये साधन करना पड़ेगा, और कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा। भगवान जानते हैं कलयुग का जीव इतने कठोर साधन कर ही नहीं सकता, इसलिए बोले भैया ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करते हो ठाकुर का सेवा मान कर करो, और हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम। हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम, मुंह में नाम, कोई बोल नहीं रहे चुपचाप बैठा, मुंह में ठाकुर का नाम, मुंह में नाम, बस हो गया। घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। खाना बना रहे हो, क्यों? ठाकुर को भोग लगेगा है। बच्चे को थपथप लगा करके सुला रहे हो, जैसे गोपियां हाथों में जो कुछ करते थे कृष्ण सेवा मान करके, वो मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती थी, ठीक है ना। इसलिए कहते उसको मंथन करनी चाहिए। मंथन मतलब साधन। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, ध्यान देकर सुनो। हरे कृष्ण। एक समय एक गुरु जी का दो चेले थे। गुरु जी ने दो चेले को दो आम की गुठली दिया, बोले देख बेटा, अगर ये आम की गुठली अगर घर के सामने बो दोगे ना, बड़े सुंदर वृक्ष होगा और तेरे घर को छाया भी प्रदान करेगा, और सुंदर सुंदर उसमें आम आएगा, जो उसको खा सकते भी हो, और उसको तुम बिजनेस भी लगा सकते हो, पूरा परिवार भी पलेगा। दो चेले को दो गुठली दे दिया। एक चेला ने घर को सामने गुठली को गाड़ दिया, और गाड़ करके गुरु जी बोले पानी भी देना। उसने गाड़ करके उसमें थोड़ी सी मिट्टी ढक दिया, उसमें पानी दे दिया, और घड़ी लेकर के बैठ गया। गुरु जी ने बताया पहले एक अंकुर होगा, फिर उसमें दो पत्ता आएगा, फिर टहनियां होगी, और बड़ी सुंदर छाया देगी। उसने घड़ी देखने लग गया, एक घंटा देख करके बैठा। गुरु जी ने बताया उसमें पेड़ होगा, लेकिन एक घंटा बाद में फिर मिट्टी को हटाया, देखो कुछ भी नहीं। बोले भैया गुरु जी ने तो झूठ बोल दी, बोल रहे थे क्या पेड़ होगा, छाया देगा, आम होगा, तो कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने फिर मिट्टी ढक करके फिर उसमें पानी दे दिया, फिर दो घंटा घड़ी देख करके बैठा, फिर दो घंटा के बाद में फिर मिट्टी खोदा तो देखा कभी कुछ नहीं। बोले भैया गुरु जी तो पक्के झूठ बोले। फिर उसने फिर ढक दिया, फिर पानी दिया, रात भर पांच छह घंटा वहां पर बैठा, फिर सवेरे मिट्टी खोदा बिना कुछ नहीं। बोले भैया गुरु जी तो एकदम झूठ बोले। उठाया गुठली और गुरु जी को मुंह में देख मार। बोले गुरु जी आप इतने झूठ बोलते हो, अंकुर होगा, पत्ते होगा, टहनिया होगा और फल देगा, ये सब झूठ, रात भर मेरी नींद खराब हो गया। हाँ देखो दूसरा चला क्या कर, ध्यान देखो सुनो। दूसरे चले नहीं, गुरु जी के वाक्यों को दृढ़ विश्वास करते हुए गुरु जी ने जो बोले सही बोले, सही बोले। घर को सामने फुटली को गाड़ दिया, पानी दे दिया, ढक दिए। सचमुच से 10-12 दिन में देखा
गुरु जी जैसे बताया था पहले उसमें एक अंकुर आया, बोले भैया गुरु जी एकदम सही बात बताए। पर जब 20-25 दिन हो गया ना, सचमुच उसमें दो पत्ते निकले, गुरु जी को पर और भी विश्वास हो गया, बोले गुरु जी जो सही बताए थे सचमुच से। फिर दो तीन महीना हो गया ना, सचमुच से पेड़ थोड़ी सी बड़ा हो गया, गुरु जी को प्रति और भी विश्वास। जो एक साल हो गया पेट थोड़ा बड़ा हो गया, अरे भैया गुरु जी तो सही बताए थे। जब 2 साल हो गया ना, सचमुच से पेट बड़ा हो गया, थोड़ी थोड़ी छाया देने लगा। जब 3 साल हो गया पूरा घर को उसने ढक दिया, और 3 साल में पहले फूल आया, और उसका गुरु जी के प्रति दृढ़ विश्वास बनते रह गया। गुरु जी ने जो बताया भैया सही बताया। और जब उसमें आम आया ना, पूरा पेड़ पेड़, और इतने सुंदर आम आया वृक्ष में। जब एक आम पक गया, उसको लेकर के उसने गुरु जी को दिया, बोले गुरु जी आपने जैसे बताया था ना, हमने ठीक वैसे किया, और सचमुच से देखो पूरा घर को छाया दे रहा है, और देखो बड़े सुंदर बड़े बड़े आम। गुरु जी इसको लो, आप ठाकुर जी को भोग लगाकर सेवा करें। और उसने वो फल को बिजनेस में भी लगाया और घर में खाना भी खाया। देखो हमें गुरु जी जो मंत्र देते हैं वो मंत्र है, वो साधारण वस्तु नहीं। भगवान और भगवान नाम में कोई फर्क नहीं, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए हमें विश्वास करके, बोले इतना दिन तक माला जप किया, माला काली हो गई, अभी तो कुछ नहीं हुई। बोले भैया तुम भगवान से कितने साल हो गया, तुम विमुख हो गए। करोड़ों साल से हम भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जन्म में भटक रहे, कभी पेड़ कभी पौधा कभी जानवर होकर भटक रहे। कितने जन्म से पाप को हमने इकट्ठा किए हैं, और तुम सोच रहे हो 2-4 दिन जब किया, 2 साल 10 दिन साफ हो जाएगा। और जितने दिन से उसको जमा किया है ना, अगर कोई घर में किरायादार 100 साल बैठा हुआ, तुम्हारे घर में कोई किरायादार 100 साल से बैठा हुआ, केस चली जाएगी, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, मामला लड़ना पड़ेगा वकील को लेकर के, फिर तो जाकर वो किरायादार किसी तरह से जाएगा। और तुम्हारे हृदय में करोड़ों साल से ये काम क्रोध लोभ मोह को बैठाए हो, और 2 दिन माला जप करके बोले गए हो जाएगा। इसलिए गुरु जी ने जो माला दिया भगवान दिए। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब हम गुरु जी से माला लेते हैं, भगवान गुरु जी हमें ठाकुर दिए, माला नहीं दिए, ठाकुर जी को हम दिया है, अभी उसको हमें जप करना, उसको ठीक ठीक से हमें माला को जप करना। अगर एक दिन माला ले गए, अगर एक दिन जप नहीं किया, इसका मतलब ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर को कपड़ा नहीं पहनाया, ठाकुर को स्नान नहीं करवाया, ठाकुर को भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी दिन भर भूखे बैठे। अगर एक दिन कपड़ा मत बदलाओ, एक दिन भोजन मत करो, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सवेरे नहा धो करके सबसे पहले भजन, उसको बाद में भोजन। पहले भोजन नहीं, सवेरे उठते ही चाय चाय करने लग जाओ, है नहीं। सवेरे उठ करके देखो, पहले मैं तो बताया था ना, चाय अच्छी चीज है नहीं, चाय अच्छी जिसमें निकोटीन और कैफीन डालते हैं, ये भूख को खत्म कर देती है, नस्ली वस्तु है। इसलिए हमारी आप लोग ने रामदेव बाबा का योगा देखे हो, योगा देखे कि नहीं, सवेरे उठ करके पानी पीनी चाहिए ना, सवेरे उठ कर चाय पीनी चाहिए। बोला बोला आप लोग बताओ, चाय पीनी चाहिए? नहीं, पहले पानी पियो जो हेल्थ के लिए। कहते मुंह से जब लाल हो सवेरे, अभी तक ब्रश आपने नहीं किया, वो मुंह में एक दवा रहती है, उसको पियो ना, वो पानी को साथ में जब अंदर में जाएगी, सारी बीमारी को खत्म करता है। अगर चाय पी लिया तो गया खत्म। इसलिए चाय पीने का आदर नहीं, सवेरे क्या करो, सबसे पहले पानी पियो, भगवान का नाम जप कर, फिर उनको भक्ति करो, ठीक है। देखो अभी अभी हमारे श्री जगन्नाथ जी आ रहे हैं, ठाकुर जी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, आप लोग सबके सब खड़े हो जाओ, और भगवान का हम सबके सब स्वागत करेंगे, ठीक है। बोले हरे कृष्ण फूल फूल आपका हाथ होगा ना, आप थोड़े फूल ले, सबके सब मतलब जो सामने है, जो सामने है वो सामने वाले थोड़ा थोड़ा फूल ले लो, जब ठाकुर जी आएंगे उनको स्वागत करेंगे। बोले सुस्वागतम जगन्नाथ, स्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ, शरणागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम।
Yeah.
यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आने के पश्चात आप लोगों को किस किस को खुशी है? अरे बोल, खुशी है सबको, अच्छी बात है, लेकिन खुशी का परिचय नहीं दिया है। कम से कम थोड़ा सा नाच के तो कम से कम जगन्नाथ जी को खुश करें। कन्या मचल रहे हैं शादी के लिए, उसमें तो नाचते हैं, शादी में तो नाचते हैं ना लोग, तो शराब पी कर तो मेन रोड पे नाचते हैं। खुशी करें जगन्नाथ जी को, सब लोग खड़े हो जाए। I'm gonna make you mine.
क्या बोलना है? जोर से जोर लगाइए, हाँ सब लोग इनको हाथ उठा लीजिए, उठा कर क्या बोलना है से बोलो। देखो आप लोगों के सामने श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन। हाँ देखो ध्यान देकर सुना कि ठाकुर जी है कौन और इनके रूप ऐसे कैसे हो गया, ध्यान लगा के सुना, फिर कल मैं पूछूंगा और ये कथा अपना घर में जाकर के सब सुना, ठीक है ना? क्योंकि सबको बोलोगे ना भैया जगन्नाथ की रथ यात्रा में चलो, पूछेंगे भैया जगन्नाथ है कौन, इनकी इतनी बड़े बड़े आंख है, हाथ कहाँ है, इनके प्यार कहाँ है, हैं? इसलिए ध्यान देकर सुनो कि ठाकुर जी ऐसे कैसे लोग हुए, उनकी अलग अलग सब कथा थी, एक कथा सुनिए। बोले जिस समय भगवान कृष्ण अपना द्वारका में गए और भगवान ने 16108 पटराणियों से ठाकुर जी शादी की, कितना साथ में शादी किए, 16108 पटराणियों से उनने शादी की। शादी किए तो कृष्णा तो सोते हैं रुक्मिणी के पास में, कालिंदी को पास में, मित्र वृंदावनी की पटरानी, लेकिन सोते हैं तो इनके पास में, लेकिन ठाकुर जी रोते हैं ब्रजवासियों में, क्योंकि जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना एकदम निष्काम प्रेम, एकदम शुद्ध प्रेम है, उसमें कोई मिलावटी नहीं, उनने कोई स्वार्थ के लिए ठाकुर को प्रेम नहीं किया, केवल उन्होंने प्रेम के लिए उन्होंने ठाकुर को प्रेम किया।
अभी रात भर जैसे रुक्मिणी के पास में कृष्ण सोते हैं, रात को स्वप्न देखते हैं, हैं? और कभी कभी कृष्ण स्वप्न देखते देखते कहते हैं, हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखे तुम कहाँ हो। और रुक्मिणी सत्यभामा का साड़ी पकड़ करके, साड़ी पकड़ते इनको, सोते हैं इनको पास में, लेकिन रोते हैं वृंदावन के लिए, गैया के लिए, मैया जसोदा के लिए, नंद बाबा की प्रेम, क्यों किनका जो प्रेम शुद्ध प्रेम। एक दिन महेश्वर ने देखा, बोले भैया हम एक से एक सुंदरी है, राजकुमारी है, साधारण घर की नहीं, 16,100 राजकुमारियां, एक से एक सुंदरी और एक से एक विद्या में ये निपुण है सबके सब। हम सबके सब 16,001 पटनानी कृष्ण को इतने सेवा करते हैं, लेकिन सोते हैं कृष्ण हमारे पास में, लेकिन रोते हैं ब्रजवासियों के लिए। भैया इन लोगों ने भैया भगवान को क्या जादू टोना किया है जो कि ठाकुर जी उनके लिए रोते हैं क्यों। एक दिन ये महिषी ने श्री रोहिणी को पास में गए, बोले रोहिणी कौन है, बोले बलदेव प्रभु का चोना, वो रहती थी द्वारका। एक दिन रोहिणी को पास में गई और मैया रोहिणी से पूछे, बोले क्यों, कृष्णा जब ब्रज में थे वहां पर एक व्यक्ति रोहिणी थी जो द्वारका में अभी है, वो केवल ब्रज में वही रोहिणी थी, उसने कृष्ण की बचपन की सारी लीला देखी, उनकी सारी नटखट है, मक्खन चोरी, प्रभु का रास लीला, सब कुछ ये रोहिणी ने देखा है। एक दिन महिषी ने रोहिणी को पास में गई, बोले मैया रोहिणी तुम सब ब्रज में थी और कृष्ण के सारे लीला को तुमने दर्शन भी किए, लेकिन तुम कृपा करके हमें थोड़ी वृंदावन की कथा सुनाओगे, ये कृष्ण क्यों ब्रजवासियों को प्रेम में इतने विभोर होते हैं, क्यों रोते हैं, उन लोगों ने किया ऐसे जाति तोड़ा कर दी, वो तो जंगल में रहने वाली, कंडा बिनने वाली, दधी मंथन करने वाली, फिर उन्होंने क्यों उनकी प्रेम के लिए रोते हैं। इसको उधर रख लो पाता जी, उधर रख लो, उधर रख लो, ये क्यों रोते हैं उनके लिए। बोले देखो रोहिणी, बोले देखो मैं तो कृष्ण की कथा सुना सकती हूँ, ब्रज की कथा में तो सुना सकती हूँ, लेकिन ये ब्रज प्रेम इतने शुद्ध, ये ब्रज प्रेम इतने निर्मल है, अगर कृष्ण ब्रज की कथा सुनेगा ना, वो रहेगा नहीं यहाँ पर, वो भाग जाएगा वृंदावन में, क्योंकि इनका प्रेम बड़ा निर्मल प्रेम है इनकी। बोले फिर क्या किया जाए, बोले ऐसे एक जगह पर इनकी कथा सुनाओ जहां पर कोई नहीं हो, कृष्ण बलराम को पता नहीं चले, केवल तुम ही तुम लोग हो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो कृष्ण बलराम अभी राज सिंहासन में बैठे हुए, हम अंदर महल में चलते हैं और दरवाजा को बंद कर देंगे और वहां गेट कीपर रूप में ये सुभद्रा, सुभद्रा कौन है जानते हो, सुभद्रा कौन है, बोले तो सुभद्रा कौन थी, बोले कृष्ण बलराम की बहनी, बोले बहन को खड़े कर दो दरवाजा को पास में और यही चौकीदार रहेगी, कृष्ण बलराम आए ना उनको अंदर में घुसने ही मत दिया गया। इतने में श्री माता रोहिणी बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी प्यारी प्यारी कृष्ण की कथा सुनाई, कितना अद्भुत उन्होंने कथा सुनाई। बोले कृष्ण जब बंसुरी बजाया करते थे, इतने इनकी मीठी मीठी बंसुरी, जिस बंसी ध्वनि सुनकर के यमुना वो ऐसे बहती है, लेकिन इनकी बंसी ध्वनि सुनकर के यमुना उल्टी बहती है, और वहां पर जो कमल फूल होता था वो भौरा भौरा पड़ जाती थी, और ये यमुना वो कमल फूल को लेकर के कृष्ण को चरण में समर्पित करती थी, जिसका जब बंसुरी बजाते थे पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता, हाँ मधु झरना शुरू हो जाता, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके गैया जैसे के जैसे खड़ी की खड़ी, ठगी से ठगी रह जाती थी, मुंह से घास खाना भूल जाती थी, अगर बछड़ा अगर दूध पीते हैं बंसी ध्वनि सुनते ही दोनों तरफ में दूध गिरने लग जाती थी, बंसी ध्वनि सुन करके जो चिड़िया होते थे पक्षी वो सब के सब मुनि बन जाते थे कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके, और कृष्ण जब बंसुरी बजाते थे जगता मानसा करसी मुरली कलत, ऐसे बंसी ध्वनि की चमत्कारता था
जिस बंसी ध्वनि को सुन करके पूरा के पूरा गिरिराज गुमर है पिघल जाती थी। अभी भी भगवान की चरण का छाप गैया में पूरा छाप अभी भी ब्रज में जाओगे ना श्री गिरिराज गोवर्धन में अभी भी दर्शन करोगे। और बंसी ध्वनि सुन करके जितने देवता और देवी हैं तो देवियां क्या करती थी पता नहीं, इनका वस्त्र कब खिसक जाती थी इनकी पता नहीं चलती थी, इनकी चोटी खोल जाती थी। और बंसी ध्वनि सुन करके आकाश जो मेघ है वो इकट्ठे होकर के रिमझिम रिमझिम कृष्ण गोपर में बारिश दर्शाया करती थी कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके। और कृष्ण जब मक्खन चोरी करते थे आप तो सुन रहे थे कृष्ण कितने मीठे मीठे प्रभु मक्खन चोरी करते हैं। नंदबाबा बोलते हैं बोले लाला कान्हा मेरे थोड़ा जुत्ती ले आओगे, कृष्ण टुमुक 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 में चलते थे, जुत्ती का हाथ में नहीं कृष्ण जुत्ती के सर पर रखकर लाते थे। अभी मैया रोहिणी कृष्ण की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुना रहे थे। अभी कृष्ण बलराम सिंहासन में बैठे राम सिंहासन में, अभी कृष्ण को पता चला मैया रोहिणी तो हमारी प्यारी प्यारी ब्रज की मीठी मीठी कथा सुना रही है रोहिणी। अभी कृष्ण कथा इतने मधुर कृष्ण कथा, कृष्ण भी अपना कथा सुनकर के पागल हो जाते। इतने में कृष्ण ने दाऊ भैया को बोले दाऊ अभी अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम यहीं पर बैठना। इतने में श्री जगन्नाथ जी कृष्ण देखो इधर देखो कृष्ण है हाँ ये जो बड़ा जो जगन्नाथ है ना वो कृष्ण है। इतने में कृष्ण आ गए और अंदर में जाना चाहते हैं मैं भी मेरी कथा को थोड़ा सुनो मेरी कथा कितनी मीठी और प्यारी है। जब कृष्ण आ गए इतने में बीच में देखो उनके बहन सुभद्रा ये दरबार रूप में ये सुभद्रा खड़ी हुई बोले भैया अंदर में नहीं जा सकते भैया मना की। इतने में सुभद्रा ने अपना बाम हाथ को उन्होंने ऐसे करके उन्होंने कृष्ण को रोक दी बोले अंदर में नहीं जा सकते भैया ने मना किया उनको अंदर में जाने नहीं थी। इतने में श्री कृष्ण अपना कथा सुनते 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 कृष्ण धीरे 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 प्रेम में कृष्ण पिघलने लगे, कृष्ण धीरे धीरे गलना शुरू हो गया पिघलना शुरू हो गया। और करते करते ये जो जगन्नाथ जी देखते है ना इनका ये रूप धारण हो गया। इसलिए जो जगन्नाथ जी का जो रूप है ये कौन सा रूप है बोले भगवान प्रेम में ठाकुर जी ये द्रवीभूत हो गए पिघल गए ठाकुर जी इसलिए ये जगन्नाथ जी हो गए। इतने में दाऊ भैया ने देखा बोले भैया कृष्ण कन्हैया तो गया अभी तक वापस नहीं आया कृष्ण गया कहाँ। बलदेव प्रभु को पता चला मैया रोहिणी हमारी ब्रज की प्यारी प्यारी कथा सुना रही है दाऊ भैया भी रोक नहीं सके। इतने में बलदेव प्रभु भी आ गए। जब बलदेव प्रभु जी आ गए इतने में जो सुभद्रा थी ना उनको सीधा हाथ में रख दी बोले बड़े भैया अंदर में तुम जा नहीं सकते हो। मैया ने मना की अंदर में जाने के लिए उनको कैसे हाथ कर दी और वहां पर श्री बलदेव प्रभु को रोक दी। इतने में बलदेव प्रभु भी दरवाजा में अपना कान को लगा दिया लगा करके कृष्ण की कथा कृष्ण कितने सुंदर रास बचाए कैसे गिरिराज धारण की कैसे मक्खन चोरी करते थे उनकी प्यारी प्यारी कथा सुन करके धीरे 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 बलदेव प्रभु भी पिघलने लगे धीरे धीरे पिघलने लगे प्रेम में पिघलते पिघलते श्री बलदेव प्रभु भी कैसे हो गई। इतने में सुभद्रा थी बीच में उन्होंने भैया को देखा वो भी अपना प्रेम में द्रवीभूत हो गए। बलदेव प्रभु को देखा ये भी प्रेम में द्रवीभूत हो गए। अभी वो बीच में थी वो भी धीरे 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 वो भी पिघलने लगे वो भी प्रेम में द्रवीभूत हो गई। और भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र था वो धीरे 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 ये सुदर्शन चक्र भी धीरे धीरे ये सुदर्शन चक्र भी पिघलते पिघलते देखो इस तरफ में जो देख रहे ना डंडे जैसे इनकी सुदर्शन चक्र ये भी ऐसे पिघल गया पूरा का पूरा ठाकुर जी पिघल। जब पिघल गए श्री नारद जी बिना बजा बजाते आए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
और प्रभु का ये रूप देख कर ना नाचना शुरू कर दिया नारद जी। बोले प्रभु आपके बहु कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत है, आपकी अनंत रूप अनंत लीला। प्रभु ये जो लीला है ना आपका, ये जो रूप सबसे बढ़िया रूप, क्योंकि आपका जो अवतार मत्स्य कुरमा बराह अवतार, लेकिन आप स्वयं अपना कथा सुनते सुनते स्वयं प्रेम में पिघला पिघला बार बार जो द्रविणों का बार वो तो कहीं नहीं है ना, केवल आप एक ही रूप है। इतने में कृष्ण ने कहा नारद जी आज मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्यों? बोले बड़े दिनों में मैंने गोपियों की कथा सुनी, नंद बाबा की कथा सुनी, गैया की कथा सुनी, हमने राधा जी की कथा सुनी, आज मैंने मन बड़ा प्रसन्न। आप देखना जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होना, जब कोई चीज मांगो होते थे, बोले नारद जी आज तू जो कुछ मांगोगे आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयारी हूँ, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु जी आप ये रूप लेकर श्री जगन्नाथपुरी में इस रूप को लेकर के आपकी पूजा हुई, अगर ये कलयुग में आपकी रूप के एक बार कोई दर्शन कर ले आप ये वरदान दो। बोले रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। संस्कृत समझते हो? देखो ये संस्कृत क्या कहता है, रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तेरे रूप को कोई अगर रथ के ऊपर दर्शन कर ले, जैसे इस जगत में दो बार उसको जन्म नहीं लेना पड़े, आप ही वरदान। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है तथास्तु। मेरे रूप को जो कलयुग में दर्शन करेगा दुख कष्ट जन्म मृत्यु से परपार चली जाएगी। इसलिए ये जो रूप है भगवान की प्रेमय रूप श्री जगन्नाथ का रूप है, ये जगन्नाथ नहीं ये कृष्ण स्वयं, ये बलदेव प्रभु स्वयं बलदेव सुभद्रा बहन और ये सुदर्शन चक्र है। इसलिए परसों आपकी एटा में ये ठाकुर जी निकले के, इसलिए परसों हम लोग बड़े धूमधाम से हम अच्छे अच्छे जो भजन गाने वाले कीर्तन करने वाले को बुलाया, सबके सब आ करके मृदंग और बड़े सुंदर ढोलकी और मजरा को साथ में कीर्तन करते करते हरिबोल करते करते हम एटा में निकालेंगे। हम लोग देखना बहुत शोभा यात्रा तो देखते होंगे बहुत, लेकिन आप लोग देखना जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है इससे बड़ा शोभा यात्रा दुनिया में कुछ नहीं। कीर्तन बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, कीर्तन बहुत देखे होंगे, लेकिन देखोगे हमारे जो संत लोग कैसे कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते हुए प्रेम में डूबते हुए कैसे कीर्तन करेंगे, आप भी नाच उठोगे, आप भी नाच उठोगे। रोज रोज तो आपको थोड़ा थोड़ा नचा देते हैं और उसी दिन सबके सब अकेले नहीं आना, अपना पति को अपना बेटे को बेटी को पूरा परिवार दूर दूर से जो होंगे उनको लेकर के आना, ठीक है ना। हम चाहते हैं पहला बार इस यात्रा हो। देखो जगन्नाथ जी का आंख देखो कितने गोल गोल ना बड़े बड़े, मतलब क्या है कि आंख नहीं पलक झपकती है, कभी इनकी दृष्टि हम जगन्नाथपुरी को ठाकुर जी को भोग कैसे लगाते हैं दरवाजा बंद करके अंदर में, लेकिन वहां पर इनकी रथ जितने दूर तक दिखता है वहीं से जय जगन्नाथ बोल करके वहीं पर उनको भोग लगा देते हैं, ठाकुर वहीं से ही दर्शन कर लेते हैं, वहीं से ही ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं वहीं से ही। इसलिए ये रथ के ऊपर जो बैठे हुए इतने प्रसन्न क्यों, इनके दर्शन करने से इतना लाभ क्यों,
कारण है अभी ठाकुर जी द्वारका से राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके ले जा रही वृंदावन। अब वृंदावन में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले, अगर आप ऐसी किसी जगह में जाओ जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, खुश होकर के जाओ। अब खुश होकर जाओ भैया, हम तो बड़े प्रेम करने वाले वहां पर है, इसलिए ठाकुर जी बड़े खुश होकर रस में बैठते हैं, इसलिए उनको जो कुछ मांगो। और जो रस्सी है ना, इनकी रस्सी खींचने का बड़ा महत्व है। तो इनका रस्सी अगर कोई खींच लिया, उनको कौन खींचते खींचते ले जा रही है? गोपियां। ये राधा रथ नहीं, राधा जी के हृदय है, और ये गोपियां खींचते खींचते ले जाती है। इसलिए एक बार वो रस्सी कोई पकड़ लेना, उसका जितने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो रस्सी की बड़ा महत्व, तो मैं कल बता रहा था ना, वो रस्सी को तोड़ तोड़ करके एक एक धागा को ले जाते हैं। जिस घर में ये रस्सी रहेगी उसी घर में भूत पिशाच डाकिन साकिन अमंगल उसी घर में टिक नहीं सकती, उसी रस्सी की इतनी महत्व है। इसलिए आप लोग परसों जो रथ यात्रा हम निकालेंगे 11 बजे, कितने बजे देखो, उसी दिन संडे है, इसलिए संडे दिन रखा है जैसे किसका कोई काम नहीं हो। और उसी दिन बसंत पंचमी है, भगवान ने बसंत रास किया। आप देखना जो प्रकृति पूरा का पूरा बसंत कलर को धारण करता है, बसंत कलर मतलब देखो ये जो येलो कलर है ना, पीले पीले रंग के ये कलर है, इसलिए उसी दिन आप सब के सब एक ही रंग का साड़ी पहनना। बताओ कौन सा रंग की साड़ी पहनोगे? और दूसरे कोई रंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा तो उधार कर लोगे, लेकिन पहनना पीला रंग, पूरा का पूरा पीला ही पीला दिखे, हाँ पूरा का पूरा पीला ही दिखे। और जितने हमारे भाई लोग हैं, हो सके तो धोती अगर हो बढ़िया धोती पहन करके, हाँ बड़े सुंदर धोती पहन करके आए, अगर धोती नहीं हो कम से कम सफेद रंग के कुर्ता पैजामा हो ठीक है, लेकिन अगर धोती किसी को घर में हो तो धोती पहन करके आना। और माताएं लड़झट श्रृंगार करके, ऐसे नहीं जैसे तैसे नहीं, जैसे शादी में जाते हो, जैसे शादी में सज धज कर जाते हो ऐसे कपड़ा पहन करके आना, ठीक है। और सोने की कोई चीज पहन कर नहीं आना, सोने की कोई चीज पहनना नहीं, क्योंकि पता नहीं कोई रावण नहीं आ जाए, इसलिए सोने की कोई चीज नहीं पहनना है। अगर कोई वैसे कोई अलंकार हो उसको पहन करके आओ, क्योंकि फिर सोने अगर ले जाएगा तो बोलेंगे भैया रथ यात्रा में कहीं हमारी चोरी होगी, ठीक है। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु श्री साहु भैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। हरे कृष्ण। सुमित जी तुम घर जाओ, जो जितने गिरिराज में प्रसाद लाए ना उसको खोल करके हर चीज में तुलसी बता देना, और जो गिरिराज की पूजा होगी ठाकुर को भोग लगाना, जाओ वहां पर जाकर के हर चीज यहाँ पर जितना लाए हैं एक तो भक्तों को ले जाओ और खोल करके तुलसी पता लगा तो ठीक है। वो प्रभु जिसका दीक्षा मंत्र हुई सब भोग नहीं लगा सकते, वही भोग लगाएगा जिसने दीक्षा मंत्र लिए है, हाँ इसलिए वो दीक्षा मंत्र लिया हुआ इसलिए उसको दो। हरे कृष्ण। गोपी गोचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पदाय श्री आत्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तीनामिने। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी अहत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर मुझ पर अपनी कृपा बसाएं, ताकि इस जो शुद्ध भक्ति की गंगा है, इस धारा है, इसमें हम डुबकी लगा सके, हम इसमें आगे बढ़ सके। उसके बाद यहाँ पे मंच पे बैठे हुए पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखें, मुझ पे भी कृपा बरसाए रखें, ताकि हम इस साधन भक्ति में शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ पाए। आज कथा का छठा दिवस है, कौन सा सिक्स्थ दिन है? छठा सिक्स्थ। ये सिक्स्थ से पिछली वाली जो बात मैंने बोली थी वो मुझे थोड़ी सी याद आई, हमने बात करी थी किसकी? सनातन धर्म की। हमने बात करी थी भारत की,
ठीक है, बहुत मोटी बात करी थी उस समय हमने, भारत की बात करी थी। भारत कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है भारत? जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, और इधर आसाम से लेके गुजरात तक, ठीक है। ये जो जमीन का टुकड़ा है इस पे हमने बाउंड्री खींच दी और इसको हमने भारत कह दिया। क्या किसी भी जमीन के टुकड़े को एक बाउंड्री खींच के मैं किसी देश का नाम दे सकता हूं? एक देश की पहचान क्या है पहले ये बताओ, क्या क्या है देश की पहचान? उसकी सभ्यता। अरे उस देश की सभ्यता, उसके संस्कार, उसका धर्म, वो कैसे चल रहा है। और यही आज हमारी दयनीय स्थिति है कि ये भारत आज की डेट में विदेश में दिखता है और वो विदेश आज की डेट में भारत में दिखता है। जैसा कि महाराज जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है, इन रशियन से पूछ लेना, इनके कॉलेजों में कुछ फीमेल्स सरकार से इसलिए लड़ रही थी कि हम साड़ी में आना चाहती हैं, हम इस लहंगा ड्रेस, इस इंडियन ड्रेसेस में आना चाहती हैं, और हमारे यहाँ कॉलेजों में लड़कियां क्या लड़ाई लड़ कर रही हैं कि हम मिनी स्कर्ट्स में आना चाहती हैं, ठीक है, हम उस वेस्टर्न ड्रेस में आना चाहती हैं, हम फटी जीन्सों में आना चाहते हैं, जो जितनी जीन्स जितनी फटी है वो उतनी महंगी है। ऐसे हमारे हम क्या कर रहे हैं पता आपको, वहां पे वो जो थूक देते हैं ना, कहने का मतलब है जो उन्होंने थूक दिया है ना वो यहाँ पे पैक करके आ रहा है और हम उसको बड़े अच्छे से चाट रहे हैं। ये हमारी सभ्यता संस्कार की हालत हो रही है, और आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो और जो बच्चे हैं वो, इनको करप्ट करा जा रहा है। कौन करप्ट कर रहे हैं? वो लोग हमारे जितनी भी माताएं यहाँ पे बैठी हैं, प्रभु जी बैठे जो मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, उनसे पूछो पहले बिना फोन के क्या कोई काम नहीं हुआ, कोई शादी ब्याह नहीं हुई क्या, घर में झगड़े भी कम होते थे, बच्चे माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर करते थे, इतना प्रेम प्यार था। ये प्रेम प्यार क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता दूषित होती जा रही है। तो अब ये जो खतरे की घंटी बज रही है, खतरे की घंटी क्या है? पूत के पांव पालने में दिखते, किसका बेटा जिद नहीं करता बताना जरा, किसका बेटा जिद नहीं है? बच्चों में चंचलता देखो। मुझे याद है मैं जब बड़े फंक्शनों में या किसी भी चीज में जाता था ना, माँ की आंख काफी थी, बोलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे देखती थी ना वही पेशाब कर देते थे हम, डर नहीं था, वो प्रेम भी था और थोड़ा सा डर भी, तो डर तो होगा ही बड़े बूढ़ों का, पर अब वो बड़े बूढ़ों का डर खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि वो संस्कार सभ्यता नीचे रुक गई है। आपने नल खोला और नल में से पानी नहीं आ रहा, ऊपर गए टंकी में तो टंकी पूरी फुल भरी हुई है, तो दिक्कत क्या हुई होगी, क्या हो सकती है भाई? नल भी पाइपलाइन भी जो टूटी हो सकती है, कोई कचड़ा फंस गया हो सकता है, या वो एक लीवर होता है ना, वॉल्व कहते हैं उसको, वो वॉल्व भी किसी ने बंद कर रखा था। हमने ये वॉल्व बंद कर रखा है अपने घर में, क्या कर रखा है, वॉल्व बंद कर रखा है। हम डरते हैं पता नहीं क्यों इस सनातन धर्म से, हम डरते हैं पता नहीं इस तिलक को धारण करने में, हम डरते हैं इस शिखा को धारण करने में, हम डरते हैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाने में। ये डर किस चीज का है, किस बात का डर है? सन्नाटा ही है बिल्कुल, इतने ही डर गए। अरे वो कितनी माता बहन, मतलब ये बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे एटा में कि काफी सभ्यता संस्कार है अभी भी। दिल्ली में कथा होती है, मुंबई, विदेश में चुन्नी हम ही डाल के घूम रहे हैं, स्त्रियों ने डालना छोड़ दी, सच्ची बात बता रहे हैं बिल्कुल। वो देखो हमारे विनोद बिहारी प्रभु भी यही कह रहे हैं, एक विदेशी विदेश से पहली बार इंडिया आए, उन्होंने
यहाँ धाम के लिए आते, देखो इतना पैसा खर्च करके वो जरा मार्केट मॉल में थोड़ा सा घूम आए, क्योंकि वो थोड़ा भाई विदेशी कुछ आइटम ढूंढ रहे थे, तो वापस आके क्या कहते हैं, ओ इट्स नॉट डिफरेंट, मुझे तो ऐसा लगा मैं अमेरिका में घूम के आ गई, मतलब इंडिया अमेरिका बन रहा है और वहां पे अमेरिका इंडिया बन रहा है। तो ये जो संस्कृति और सभ्यता का जो वॉल बंद हमने घर में कर रखा है, महाराज जी उस वॉल को खोलने आए हैं, सही बात बताऊं तो। और उसी चीज में खाली ये कथा नहीं, अब उन्होंने देखो ये इस दया को समझना, इस कृपा को समझना, कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप में से जो भी वहां से गेट से आया, किसी ने कहा भाई एक रुपया दोगे तभी चेयर मिलेगी या आपको सीट मिलेगी, किसी ने बोला? अरे एक रुपया भिखारी भी नहीं लेता, समझ रहे हो? किसी ने कुछ नहीं मांगा, हम बस ये कह रहे हैं वो वॉल्व खुलवा लो। क्यों? क्योंकि ये खतरे की घंटी है, आप खुद के पांव पालने में देख रहे हो। हमारे पास, महाराज जी के पास इतने पेरेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले यही बात कहते हैं, बच्चा पता नहीं इतना गुस्सा कहां से आ गया इसमें। अरे महाराज जी मैंने तो चटपटा भी मसाले वाला भी नहीं खाया था जब मैं पेट से थी, फिर भी ये पता नहीं इतना गुस्से वाला कैसा हो गया। अरे भाई उस समय तुमने गीता भागवत नहीं पढ़ी, तुमने वही सास बहू के सीरियल देखे और पिक्चरें भी ऐसी देखी। और सबसे बड़ा प्रदूषण वाइब्रेशन ये हवा में है, जो हम आए दिन करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, चुगली। अरे फलाने के घर में पता क्या हो रहा है भाई, जो बाकी तो बहू बहू ऐसी है ना, मैं बताएंगे अपने घर में क्या हो रहा है हमें कोई टेंशन नहीं, पर दूसरे के दिल में इस चुगली निंदा में लगे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, हम जिसकी चुगली निंदा करेंगे उसके सारे अवगुण चाट चाट के अपने अंदर भर रहे हैं। अरे बोल। और वो हमारे से फिर कहां जा रही है, आगे वाले वंश परंपरा में, इसलिए बच्चे ऐसे आ रहे हैं। तो महाराज जी ने यही जिम्मेदारी उठाई है, देखो ये बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पे। मैं भी अब अपने आप को यहाँ 4-5 दिन में इतना प्रेम मिला ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इटा सही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इटा सही हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ महाराज जी आपने हम पे इतना प्रेम दे रहे हो, इतनी कृपा कर रहे हो, इनका शेड्यूल सुनोगे ना, हमें ऐसा लगता है महाराज जी ग्रस्त तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। कितने घर में आपके बच्चे होंगे, कितने पति हैं आपके? एक पति, 2-4 बच्चे, एक सास। उस सास भी बेचारी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसकी उम्र भी इतनी हो गई है। और ये देखो पूरे विश्व में घूमते बच्चे, मतलब इनके शिष्य जो इनको बच्चों की बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, कितने हैं गिनती नहीं कर पाओगे। उन सबकी टेंशन यहाँ सारे बैठे हैं, एक एक की टेंशन महाराज जी को उसी दिन देख लिया होगा जिस दिन बारिश आने ही वाली थी। अरे किसी को कष्ट ना हो जाए, कोई भीग ना जाए, किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, हम जल्दी से प्रोग्राम कर देते हैं। हाँ हम जल्दी से अच्छे अच्छे कथा हम जल्दी से सुना देंगे, आपको जल्दी फ्री कर दे। अरे इतना सोच रहे हैं वो इधर से। और अब उन्होंने एक नई हम पे कृपा करी है, वो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमने एक मंडली बनाएंगे, यहाँ पे 15 दिन में महीने में हम यही प्रोग्राम चलाते रहेंगे, ताकि वो पाइपलाइन का कचरा या वो वॉल्व हम खोलते रहेंगे। यही शास्त्रों की अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं और बीच की पीढ़ी, ऊपर की पीढ़ी, सभी पीढ़ियों को हम ये चीज देंगे। ये संस्कार हमारे सभ्यता, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मी हैं। एक बात मैं उस दिन कहना भूल गया था, किसी ने अभी कल ही मुझे फोन करके पूछा कि प्रभु जी आपकी कथा सुनी हमने ऑनलाइन, ये सनातन धर्म बोल रहे हो तो ये बाकी धर्म वाले बुरा नहीं मान जाएंगे? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, सनातन धर्म किसका है, शरीर का है कि आत्मा का है, आप क्या समझे? किसका था, किसका था? और जो ये बाकी तो धर्म हमने बना लिए यहाँ आके, जिस घर में मैं पैदा हो गया, वो किसके हैं? शरीर के। ये सनातन धर्म समझेंगे, उस पेड़ का भी है, ये बाहर गली में घूम रहे कुत्तों का भी है, बिल्लियों का भी है, सूअर का भी है। क्यों? आत्मा सबके अंदर वही है।
को समझो। महाराज जी यही कह रहे थे, हम इतना भाग्यशाली हैं कि हमारा प्लेन लैंड हुआ तो सबसे अच्छी जगह पे। इन विदेशियों से पूछो, कुछ मुस्लिम कंट्रीज से आ रहे हैं। एक दीदी आई थी मलेशिया से, उनके फादर मलेशिया के एम्बेसडर हैं इराक से, तो वो इराकी हैं, और वो आज की डेट पे इस सनातन धर्म को समझ के उनको इतना अच्छा लगा, कहते ये आत्मा का धर्म। अब सोचो वो मुस्लिम कंट्री के लोग जिनके मतलब जिनके देश में धर्म परिवर्तन ऐसे बोला जाता है कि कर लेंगे तो मार डालेंगे, पर वाकई में एक चीज बताओ, अगर हम में से कोई भी सनातन धर्म पालन करेगा तो क्या वो धर्म परिवर्तन कर रहा है? नहीं। क्यों? मैं तो आत्मा का धर्म पालन कर रहा हूं। तो हम इस आत्मा के धर्म को सिखाने आए हैं, ना कि शरीर के। बुरा मत मानना इस बात को। और जितने भी हमारे संत हुए हैं, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे हमारे गुरु नानक देव जी हो, चाहे सूरदास रसखान, जितने भी हो, इन सब ने आत्मा के धर्म की बातें करी हैं। और मेरे जैसे मूर्ख ने, बेवकूफ ने क्या समझा? एक नया ही लाइन बना गए हैं और कट्टर हो गए, इसी को पकड़ के रखना है। अरे शिक्षाओं को लो और इस आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो। महाराज जी यही कृपा हम पे करने आए हैं कि इस सनातन धर्म का और जो असली आत्मा के धर्म को हम जानेंगे, आपके बच्चे इतने अच्छे बन जाएंगे ना, आपका कहना मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद सोचो, सुबह सुबह आप उठ रहे हो, उससे पहले ही आपका बेटा नहा धो के आपके चरण छू के कह रहा है हरे कृष्णा मम्मी प्रणाम, हरे कृष्णा पापा प्रणाम। आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? अरे सोई तो अपने घर में थी, उठी किसके में? अगर एक दिन ऐसा हो जाए, बच्चे आज की डेट में ऐसे बोल रहे हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते इसका गुस्सा आपने कौन सी दवा पिलाई, खत्म हो गया? अरे बाहर खाना छोड़ दिया, चाउमीन ये सब बेकार की चीजें छोड़ दी हैं, अच्छी चीजें खा रहा है, भगवान को भोग लगा के खा रहा है। मेरे एक फ्रेंड है, मुझे ट्रेन में मिले थे, पेट में अल्सर्स रहते थे, मैंने उनको कहा भगवान को भोग लगा के खाओ, कहते लहसुन प्याज नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या लहसुन प्याज की मुझे नहीं पता, पर भगवान को भोग लगा के खाओ। उन्होंने फिर क्या किया, मजबूरी में लहसुन प्याज छोड़ा, भगवान को भोग लगा के 5 दिन खाया, 6ठे दिन फोन आ गया कि प्रभु जी ये दवाई काम कर गई। मैंने कहा कौन सी दवाई काम कर गई? कहते 5 महीने से इलाज कर रहा था पेट के अल्सर का, 5 दिन में ठीक सा हो गया। भगवान के भोग का कमाल है, ये चीज है। इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक कागज पीछे बांटेंगे, उस पर आप भर के कौन सा है छोटा सा, उसमें अपनी सारी डिटेल आज ले जाना, कल हमें दे देना। हम यहाँ पे सत्संग को आगे चलाना चाहते हैं। ये महाराज जी ही देखो, इनके हृदय में इतनी वो कृपा है कि ये हमें, ये हमारे पे मतलब देखो संत का हृदय क्या कहा गया है, नवनीत समारानी नवनीत सेव कोमल। ये हमारे दुख को देखेंगे, हर माता बहने प्रभु जी इनके दुख को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर किसी के डर में है कि मेरा बेटा मेरी बेटी गलत लाइन में ना चली जाए, है या नहीं है? सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के सोचो, ये इस चीज को सोच रहे हैं। हजारों माओं की टेंशन इस एक माँ ने ले रखी, इस एक माँ ने। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु क्या होता है, करोड़ों करोड़ों माओ का हृदय मिला के एक गुरु बनता है। तो ऐसे महाराज जी के मतलब मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ ये बोलते हुए कि हमें जुट जाना है। हम सारे इकट्ठे होंगे इस प्रोग्राम में, सब इकट्ठे आएंगे, हम भी पालन करेंगे, अपने बच्चों को भी पालन करेंगे। एटा को क्या बना देंगे हम? वृंदावन बना देंगे। हरि बोल। ताकि एटा वाला वृंदावन जाने से पहले सोचे कि वहां में और यहाँ में तो मुझे फर्क ही नहीं दिखता है। हर घर में तुलसी है, हर घर में आरती है, हर घर का बच्चा तिलक निकाल के लगा के चल रहा है और एक दूसरे को क्या बोल रहे हो, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। वाह, ऐसा अगर ये एटा बन जाएगा तो सोचो क्या मजा आ जाएगा। क्यों माँ, आएगा नहीं मजा? आएगा माता जी, आएगा ना। तो आप सबसे प्रार्थना है कि ये चीज भर के हमें देंगे, और जैसे जैसे आगे प्रोग्राम करेंगे पक्का आना। देखना, एक बार आप सहयोग करोगे
बच्चे देखना आपके ऐसे हो जाएंगे ना, फिर पता क्या बोलेंगे, देखो ये उनका बच्चा जा रहा है, ऐसा संस्कारी बच्चा हमने नहीं देखा। अगर ये आपके बारे आपके बच्चे के गोरे को बारे में बोला जाए तो दिल का साइज क्या हो जाएगा आपका? गार्डन गार्डन। छाती 56 इंच हो जाएगी, ठीक है, और माताओं का दिल तो ऐसे भारी आ जाएगा कि बेटे को इसमें छुपा लूं कहीं नजर ना लग जाए मेरे बेटे को, मेरे लाल। तो अपने सारे लाल ऐसे ही कर दो, ये हमारी प्रार्थना है और महाराज जी की कृपा है हम पे, हम ये करना चाहते हैं। और दूसरी एक चीज और बोल दूंगा, हम जो पीछे ग्रंथ लगा रहे हैं, जैसे उस दिन आप एक ग्रंथ लेके गए कृष्ण लीला में, ऐसे ही एक और ग्रंथ कल महाराज जी ने रिक्वेस्ट करी, मैं खड़ा रहा कोई नहीं आया। आज फिर प्रार्थना करते हैं कि वो ग्रंथ ले जाओ, वो प्रसाद ऐसा है वो रखा रहेगा और अपना कमाल दिखाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उस स्टॉल लगाने से हमें कुछ नहीं मिलता, पर हमें जो असली चीज मिलती है वो क्या है, मैं उसको बता देता हूँ। ऐसा ही एक ग्रंथ कहीं पढ़कर आज मैं यहाँ पहुंचा, इसलिए उस चीज को मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ। अरे काली तो बजाओ, ग्रंथ भी ऐसा कमाल कर जाता है ना, आपके आपके पूरे घर को, आपके पड़ोस को पूरा बदल के रखते। तो ये प्रार्थना है हमारी कि इस प्रोग्राम में आप हमारा सहयोग दीजिए। हरे कृष्णा, आई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, देखो हम लोगों ने एक पर्चा बनाया है, इसको आप लोगों को हम बंटवा देंगे। इसमें जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जैसे बर्थडे हो, नहीं तो आपकी शादी के जैसे सालग्रह होता है, आप लोग इधर उधर केक कटवाते होंगे, इधर उधर काम करते होंगे। लेकिन अभी तो मैं साल में एक बार आता हूँ। अभी जो प्रभु जी बोल रहे थे, उन्होंने बेटे कर का इंजीनियर भी कर रखे हैं, लेकिन अभी प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं। इसलिए आपको ये पर्चा बंटवा देंगे, इसमें इसको लेकर के अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर दे देना। और अगर किसी बच्चे का बर्थडे हो, नहीं तो आपका शादी का सालग्रह हो, उसमें लिख करके दे देना। और ये लोग जैसे आपको मैसेज भेज देंगे, हम बोल रहा था ना 15 दिन में एक बार, हम कोशिश करेंगे सभी घर में, घर घर में कभी कभी सबको सब लोग एकत्रित होकर के थोड़ा हरि कीर्तन हो। जैसे बच्चे का बर्थडे आएगा, ये लोग फूल लेकर के वेद मंत्र को साथ में आपके बच्चे को आशीर्वाद करेंगे, बच्चे का कल्याण हो। लेकिन हम लोग क्या करते, केक कटवाते और बताने कितना बोतल तुड़वाते हैं, कितने जीव हिंसा करके मांस दिलाते हैं। देखो ये संतों का कहना है, अब बुरा मत मान। कहते भैया जिसकी बच्चे का बर्थडे में, शादी की सालग्रह में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने जीव हिंसा किया, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? संत कहते थे अगर वो 50 साल का होगा ना झट, अगर 100 साल का होगा तो झट 50 साल में उतर आएगा। वो संतों का कहना, क्यों? उसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवा रहे हो। लेकिन अगर भक्तों को बुलाओगे, घर में हरि कीर्तन हो, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी का वेद मंत्र से बच्चों को आशीर्वाद दे, वो बच्चा फलते फूलते रहेगा, कथा सुनेगा तो संस्कार बनेगा। इसलिए ये पर्चा आप लोगों को हम बंटवा देंगे पर्चा को, और इसमें कल आप लोग अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर करके दे देना। और अगर आप लोग को ये लोग भी फोन करके, आप लोग भी हम लोगों को फोन करना, आज हमारे बच्चे का सालग रहे, कोई पैसा की जरूरत नहीं, फ्री में आएंगे, आप घर में बैठे के कीर्तन करके कथा करेंगे, आपको बच्चों का आशीर्वाद देंगे, बस थोड़ी सी प्रभु की कथा सुना कर जाएंगे, ठीक है? आप लोग जरूर एक एक पर्चा को हम बंटवा देंगे आप लोगों को, सबके सब ले जाना। हम चाहते हैं आपका घर भगवान की धाम बने, बच्चे बदले, पिता माता की सेवा करे, पिता माता की आज्ञा पालन करे और घर में शांति सुख हो, हम केवल यही चाहते हैं, अब से और कोई चीज नहीं चाहते। हम लोग उल्टा मत समझो, पता नहीं बाबा लोग फंसाना चाह रहे हैं, फंसाना नहीं चाह रहे, हम हर चीज में तो फंसे हुए, माया में फंसे हुए, हाँ हम भी आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम में फंसाना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति में आपको हम फंसाना चाहते हैं, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। देखो हर साल अभी हम लोग गिरिराज जी कथा सुनेंगे, हर साल हम लोग एक कथा सुनाता था, चार ही बहुओं की कथा सुनाता था। किसको याद है राजा की चार रानियां थी, किसको किसको याद है? पिछले साल भी मैंने सुनाया था,
किसको याद है? तुम बोलोगी हरे कृष्णा। देखो ये कथा की जो सार है आपको एक स्टोरी को माध्यम में मैं सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान देकर सुना, ठीक है? मन लगा करके सुनाओ। एक छोटी सी मैं कथा सुनाऊंगा, ये कथा सुनाने के बाद मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, और जो नहीं बोल पाएगा ना फिर मैं खड़े कर दूंगा उसको बीच। ऐसे सुनना जैसे मैं बोलने के बाद दो बार मुझे आप सुना सकते हो। ये स्टोरी इतनी प्यारी स्टोरी है, ये स्टोरी से आप सोच नहीं सकते मैं कितने लोगों को बदलाया, हजार हजार लोगों को प्रभु की भजन में लगाया। आप लोग भी इस स्टोरी को याद कर लेना, अगर जिसको सुनाओगे ना उसका दिल भी प्रभु की भक्ति में रम जाएगा, ठीक है? ध्यान लगा कर सुनो। बोले एक राजा था जिस राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? चार। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को ला ला कर उसको देता था और उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहते वो चार रानियों में दिखने में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर बाहर जाता था घूमने के लिए वो रानी को सुंदर श्रृंगार करके बनारस से साड़ी और अलंकार से सजा करके अपना पास में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी में कितने सुंदर कितने प्यारी है। राजा की जो दूसरी तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी बात को मीठा मीठा बना बना करके वो बोलती थी, इसलिए राजा जब राज महल में आता था वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठता था और वो अपना मन की बात बोलता था और उसको मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन राजा जब से घर में उसको शादी करके लाए तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखे। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उससे पूछा भी नहीं। बेचारी वो बड़ी गुमसुम रहती थी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया, जब अंतिम समय आया मृत्यु के समय, उसने सोचा मेरे चार चार रानियां हैं इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती। सबसे बड़ी रानी के नंबर आई, बताओ तो सबसे बड़ी रानी कौन थी? बोलो इतना जल्दी, अगर भूल जाओगे तो फिर कल क्या बोलोगे मेरे को? बोलो सबसे बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। इतना जल्दी आपने भूल गया, हे भगवान। राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, राजा उससे पूछा रानी तुम मेरी साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे धोखे देने वाली हो ही नहीं गई। बोले राजा तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाला नहीं। बोले तेरे लिए मैंने जो इतना किया, बोले तेरे कर्तव्य था, बोले तेरी बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला, ये कैसे बोलती है। अभी दूसरी रानी से पूछा, बताओ दूसरी रानी कौन थी? बहुत सुंदरी, हाँ बड़ी सुंदरी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी। अभी उसने दूसरी रानी से पूछा, बोले तू साथ में चलोगी? बोले भैया मैं चलूंगी क्या, मैं देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। राजा तो उसको सुनकर के जमीन से प्यारी खिसक गया। बोले ये क्या कहती है, ये बच्चे जो घूम रहे ना यहाँ पर कोई है नहीं, बच्चों को जब प्रभु जी की दायित्व काम रखो, इसी बच्चों के सामने घूमने मत देना। इसलिए सुन करके बोले भैया ये तो सोच रही मैं कब मरूंगी, दूसरे से शादी करेगी। राजा को और दुख मिला। अभी उन्होंने तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात जिसको बोलता था। बोले रानी तू क्या करोगी? लेकिन ये थोड़ी अच्छी निकली। बोले राजा मैं तो चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तो आगे चल सकती लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजा तक चलना कोई चलना है। अभी उन्होंने चौथी रानी से पूछा, बताओ चौथी रानी कौन थी? बोलो जोर से। राजा जब से उसको घर में शादी करके लाया तब से जिसको साथ में कोई भी मतलब नहीं रखा, कभी उससे पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है, कभी पूछा भी नहीं। लेकिन जब उससे पूछा तू साथ में चलोगी, लेकिन वही अंतिम समय में राजी होती है। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है
तुमने एक बार मेरे तरफ पे झांक करके भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं तेरे पास मैं सारी साबुन तेल है भी नहीं। भले ही तुमने जो कुछ किया किया मेरे प्रति, लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, हे भगवान, जिनके लिए जिंदगी दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो आप लोग जो 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, समझो ये कथा की यही सारांश है। अगर इतनी सी बात अगर आज समझ गए, समझना कथा सुनना उनका सार्थक हो गया, पूरी कथा सुनना सार्थक हो गया। अभी इसका तात्पर्य जो आप लोग समझो अच्छे तरह से, और कोशिश करना इसका शिक्षा अपना जीवन में उतारने के लिए। अगर इतनी शिक्षा उतार लिया ना, फिर मैं समझूंगा भैया कथा करना मेरा सार्थक हो गया, या कथा करना मेरी सार्थकता हो गया है। देखो सबसे बड़ी रानी मतलब है, अभी जीवन में जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस समय में जो चीज की मांग करती है उसी समय में उसको ला कर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा उससे पूछेंगे साथ में चलोगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे वही दे। बोलिए कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हो, मतलब किसको ज्यादा प्रेम करते हो, बेटा बेटी ना नाती बोलती, किसको किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। देखो शास्त्र कहता है कि जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है नहीं, या स्वार्थ है। जो थोड़ी बहुत प्रेम दिख रहा है ना, चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए वो प्रेम दिख रहा है, वो मिलना बंद कर दो। देखना एक मैया बच्चे को 9 महीना तक गर्भ में धारण करती है, प्रसव पीड़ा सहन करती है, मुंह की खाना निकाल कर खिलाती है, गिल्ली में सो करके सूखा में सुलाती है। लेकिन वही बेटा का जब शादी हो जाए, पता नहीं एक रात में पत्नी क्या मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, वो बात नहीं सुनता, बोला मेरे लिए क्या किए हो, बड़ा विचित्र दुनिया है। इसलिए कहते भैया जगत में प्रेम नहीं है, ये प्रेम में केवल स्वार्थ जो दिख रहा है ना, वो स्वार्थ की वजह से प्रेम दिख रहा है। प्रश्न ही फिर हम किसको जगत में सबसे प्रेम करते हैं, बोले अपनी आप को, अपनी आप को, अपना शरीर को। ये शरीर को जो सुख दे वही मेरा सब कुछ है, और शरीर को अगर सुख नहीं दे उसी समय हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये शरीर को जो मांगता है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे सजने के लिए, बोले चलो ब्यूटी पार्लर में सब जाएगी, बोले गोल गप्पे खाओगे वहां पर बढ़िया गोल गप्पे मिलते चलो खिलाएंगे, बोले सिनेमा जाओगे बोले चलो उधर घुमाने ले जाएंगे, बोले ऐसे साड़ी पहनोगे बोले चल मल में ले जाएंगे। भैया यहाँ पर कोई व्यक्ति है नहीं, बच्चे जो घूमते हैं ना इनको घूमना बंद कर दो, यहाँ पर कोई नहीं है तुम लोग। इसलिए कहती ये शरीर हमें जिस समय में जो चीज की मांग करती है हम उसको उसी समय ला करके उसको देते हैं। लेकिन अंतिम समय आया, ये शरीर से पूछे भैया साथ में चलोगे, कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब ये परमात्मा शरीर से निकल जाए, जिस शरीर को इतने सजाया इतने खिलाया, चवन प्रास खिलाए, सोने की भस्म खिलाए, और क्या क्या शरीर को जीव में गए और क्या क्या किया, शरीर यहाँ के ता हुई रह जाती, वो साथ में हमारी नहीं चलती। बड़ी रानी गई, अभी छोटी रानी आई जो सबसे सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था है, जब उससे पूछा तू चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले ये कौन है सबसे सुंदरी, कहते बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता, सबसे सुंदर है। पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया घर दुकान मकान बनाएंगे है, दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कितने कष्ट करके पैसा कमाते हैं। पैसा से पूछे भैया साथ में चलोगी, बोले भैया मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है, आज पैसा हमारे पास है हम इसको भोग कर रहे हैं। देखना बच्चों का नजर कहाँ रहती है, पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कौन सा एटीएम कार्ड पर कितने पैसा, उनको पहले नजर हो रहती है। और ये शरीर छोड़ते ही वो पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, और जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा।
वो कहती भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी तेरे साथ में नहीं जाऊं। वो भी गई, वो भी गई। अभी तीसरे नंबर से पूछा, तीसरे नंबर कौन थी जिसका मीठा मीठा बात सुनता था, खुश रखता था मन की, हृदय की बात जिसको बोलता था, कभी ये कौन है? बोले ये परिवार वाले जिनको साथ में बैठ करके दुख सुख की बात करते हैं। पहला नंबर आई पत्नी, पत्नी से पूछा तू साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तो चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तो गेट से आगे बाहर से निकल सकती, लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चल सकती। परिवार वालों से पूछे बोले चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थ जाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएगी। बोले कहा? बोले शमशान तक। बोले फिर? बोले वहीं पर जला करके टा टा करते करते वापस आ जाएगी। बोले आगे? बोले आगे और नहीं जा सकते। गई। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, ये चौथी राणी जो सबसे, जिसको राजा, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा है, बेकार किसी काम की नहीं, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेलेगी, लेकिन जब अंतिम समय में उसको पूछा है ना, वही जाने के लिए राजी होती है, वही जाने के लिए राजी होती है। कहते भैया कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे? बोले भगवान की भक्ति और भगवान के नाम और भगवान की भजन है। हैं? किसको बोलो भैया एक माला जप करो, थोड़ी सी प्रभु का भजन करो? बोले भैया जिसको पास में कोई काम धाम नहीं है ना, वही सब बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं। ये सब बेकार का काम है, ये सब हमारे तो बहुत सारे समय देखने, टीवी देखने के लिए, गप्पे मारने के लिए, घूमने के लिए, सारे देखना सब काम के लिए समय निकाल देते हैं, लेकिन जब किसी थोड़ी सी प्रभु का भजन की बात करते हैं ना, बोले समय कहाँ है? उस समय कहते तो बेकार किसी काम के नहीं, भैया जो कुछ जीवन में कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना बेटा, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात होता, ये बोलते है ना बेटा, जितने तुमने राम का नाम लिया, जितने तुमने हरि का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं, और तुमने जो कुछ किया छूटे में तुमने बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है, कोई साथ में नहीं जा रही है, हैं? इसलिए भागवत में बताया जी मरने का बाद जब महाराज को सामने उसको खड़ी के दिया, जब महाराज ये नहीं पूछेंगे कितने तुम्हारे बेटा थे, कितने बेटी थी, कितने मकान, कितने दुकान, वो पूछ नहीं पूछेगा, वो एक ही प्रश्न करेगा, तुमको ठाकुर जी ये 84 लाख जन्म के बाद में ये जो दुर्लभ जन्म दिया है, जो काम के लिए दिया था वो काम कितना किया? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को होट न लगे कपास, मातृ गर्भ से जब आए भगवान से वायदा करके आए ठाकुर जी ये जीवन दो, उठते बैठते तेरे भजन करूंगा, तेरे नाम जप करूंगा, यही हमने वायदा करके आए, और उसको रख दिया पीछे, और जो करने के लिए नहीं आया तो उसमें लग गया, उसी में ही लग गया, और जो करने के लिए आया तो वही नहीं करना, ठीक है ना? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 आपस्तो अमालक मेरे सदगुरु कृपा करे आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लगे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबाए,
ये ऐसे के धन है ना, जिसको पति कमाएगा जिसको पत्नी नहीं ले सकती, जिसको पत्नी कमाएगा जिसको पति नहीं ले सकता, जिसको बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते, जो कमाएगा केवल वही राजा वही मालिक, इसी जीवन में तो पूरा मालिक ही बनूंगी। लेकिन मीरा कहती है दीन दीन बढ़ता सबायो है, दीन प्रतिदिन केवल बढ़ते रहेगी घटेगी नहीं, ये धन कभी घटेगी नहीं बढ़ती है। देखो हमारे गुरु जी कहते थे जैसे आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, 100 करोड़, 100 करोड़ की आज हमारे पास में प्रॉपर्टी है। समझो अभी ये शरीर छूट गया, बताओ यहाँ से कितने पैसा लेके जाओगे, कितना पैसा जाएगा, जीरो जाएगा, कोई चीज नहीं जाएगी, सब यही छोड़ करके जाना पड़ेगा, सारे प्रॉपर्टी यही छोड़ कर जाना पड़ेगा। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे मानो इसी जीवन में बहुत पैसा वाला थे लेकिन अगले जीवन में पूरा गरीबी होकर जन्म हुए, पास घर में गरीबी होकर जन्म हुए, अभी रोटी नहीं मिल रही है लेकिन हमें पता है भैया ये दुकान वकान मेरा है, हमने इसे कमाया था, हमारी है, जाकर के अपना बेटे को बोलो नहीं तो अपना पत्नी को बच्चे को बोलो पहले जीवन में ये दुकान मकान मेरे हैं, अभी इतने गरीबी घर में जन्म हुआ रोटी नहीं मिल रहा है, बताओ पत्नी देगी ना बच्चे हमको देंगे आपको, पत्नी तो डंडा लेकर मारने आएगा, बच्चे थप्पड़ मारेंगे बोले पागल कांगाल कहते हमारे पिता बाप है। देखो आश्चर्य की बात है, तुमने कमाया तुम्हारा सब कुछ है लेकिन केवल थोड़ी चोला बदल गई ना, सबके सब यही रह जाती है। लेकिन मीरा कहती है ऐसे कौन सा धन है जिस धन को इसी जीवन में कमाओगे तो, जो कमाएगा इसी जीवन में तो मालिक ही बनोगे लेकिन अगले जीवन में ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबाय, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कहती है भगवान की नाम धन है, ठाकुर जी की ये नाम धन है। इसलिए आपको मैंने पहले समझाया था, देखो और एक बार समझ लो, माला लाए हो, माला सजी माला है, हाँ देखो ये माला देख लो, देखो कथा की यही सार है, यही सार है, यही साथ में जाएगा। इसलिए मैं रोज रोज कोशिश करता हूँ एक एक माला हमको जपमाने के लिए, एक एक माला जपमाने के लिए, क्योंकि यही धन ही अंतिम समय में काम में आएगी। मैंने पहले बताया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने बोले बोले प्रभु हमारे घर में आज आपका भोजन, बोले देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता हूँ, बोले किसको घर में खाना खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाऊंगा, और उसी समय लखपति मतलब है 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में, बोले प्रभु हमारे घर में तो 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, फिर हमारे घर में क्या खाना नहीं खाओगे। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, जिन जिनने यह मोती लूटे उसे माला माल हुए, और माया के जो ने बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुई। ये मीरा की भजन है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो बोले भैया थोड़ा प्रभु का नाम जप करो, ठाकुर का नाम जप करने के लिए थोड़ा समय दो, बोलेंगे समय कहाँ है, अभी बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाना है ना, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाओ। मैंने पहले बताया था गुरु जी कहते थे देखो बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा करके मत रख जाओ, क्योंकि बच्चा होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर बेटा नालायक ही बनेगा ना, जितने पैसा हम कमा करके जा रहे हैं जुआ मांस शराब पी करके सब बर्बाद कर देगा। इसलिए हाँ ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में जिसका मालिक बनोगे और अगले जीवन में भी मालिक बनोगे। मेरे तरफ में देख लो आज लास्ट का दिन है, हैं कल तो कथा होगी लेकिन समय नहीं होगा, आज आपको लास्ट दिन आपको बता देता हूं। जैसे ये माला है, ये माला में 108 मोतियां हैं,
जब ये माला जप करेंगे ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, क्यों? ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है, हम तुमको देख लेते हैं, ये सबसे पहले निकलता है, इसको हम बाहर निकाल कर रखते हैं। और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में, मेरे तरफ में देखो सबके सब, ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में ये माला रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो मेरे साथ में, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके सब मेरे साथ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल कर ना इसमें एक मोती सरकता है, दो बार बोल कर दो मोती, तीन बार में तीन मोती, देखो एक लाख ऐसे होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया एक बार नाम से। इसमें 108 मोती है, अगर इसको एक बार कर लिया जैसे यहाँ पर खत्म हो गया, जब खत्म हो जाए इसको ऊपर में पार नहीं करनी चाहिए, उसको ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से फिर माला करना। अगर इसको 16 राउंड कर लिया हिसाब से वो 25,000 हुआ, अगर उसको 64 माला अगर कर लिया ना वो हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं जप की, आज तुम्हारा नाम पर बैंक ने 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोल भैया अगर ब्याज में फिक्स डिपॉजिट रखोगे 1,00,000 रुपया तुम्हें ब्याज कितना मिलेगा? बोले दीन बढ़त सवाए, आज अगर 1,00,000 माला किया ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, 1,25,000, 4 दिन में 2,00,000 हो गया। ये धन इतने जल्दी बढ़ती है, इतने जल्दी, और यही धन ही अंतिम समय में हमारे काम आएगा। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर का नाम सुने हो? सुने। ये कबीर कहते हैं दुनिया में मरने में सब जग डरे, सारा दुनिया मरने के लिए डरते हैं, हम किसको बोलो मरना सब डर जाते हैं। कबीर जी कहते हैं भैया क्यों डरते हो मरने के लिए? लेकिन कबीर जी कहते हैं मेरा मन आनंद, बोलो भैया मरने का नाम सुनकर मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। किसने कबीर जी को पूछे भैया मरने के लिए दुनिया डरते तेरे मन में खुशी क्यों हो रही है? बोले कब मरियो कब भेटियो परमानंद। वो कबीर जी कहते हैं इसलिए मैं मरने के लिए नहीं डरता हूँ, जिंदगी भर मैंने राम नाम की मैंने माला जप किया है, जिंदगी भर मैंने भजन किया है, ये माल पूरा के पूरा ब्याज समेत मिलेगी। बोले दूसरे लोग क्यों डरते हैं? बोले भजन नहीं किया ना, खाली हाथ में जाओगे डंडा बढ़ते बढ़ते जाएगा पीठ के ऊपर, नरक जाना पड़ेगा, इसलिए जीव डरते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हम खुश हैं, अगर प्रभु की भजन करोगे ना आनंद में जाओगे, VIP व्यवस्था होगी, आपके लिए रथ आएगा, रथ में बैठ करके हम ठाकुर जी के पास में जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए देखो मैंने पिछली बार कुछ भक्त लोगों ने माला ली थी, अगर इस बार अगर किसकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, हम इनके घर में विनोद बिहारी प्रभु जी के घर में हमने सवेरे अगर 7-8-9 बजे भी आओगे आपको एक एक माला देंगे। लेकिन अगर प्याज लहसुन छोड़ोगे मांस मछली हरि बोल हरे कृष्ण एक मिनट रुक जाओ ये बच्चा हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए अगर आप लोगों ने अगर आपने मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाओगे फिर तो आपको हम तुलसी माला देते हैं, गले में भी तुलसी कट्टी तुलसी माला देते हैं। अगर जो बोलेगा नहीं इतना जल्दी हम छोड़ नहीं पाएंगे, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे छोड़ने के लिए, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं। बोले इसमें जप करते रहो, करते करते धीरे धीरे अपने आप जो पूरा छूट जाएगी फिर तुलसी माला लो, ठीक है। जिसकी कल इच्छा होगी आप विनोद बिहारी प्रभु जी घर में आना, इनके घर में सवेरे आना और माला लेकर के जाना, अब भी माला लो, कोशिश करना बच्चे को भी बोलो तुम एक माला जप करो। अब देखना जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अच्छे मार्क नहीं आते हैं, आप उसको एक माला जप करके छोड़े स्कूल में तो पढ़ाई बढ़िया होगी, क्योंकि उसका मन प्रभु का नाम करने पर उसका मन एकाग्र होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, फिर उसकी अंदर में अच्छी संस्कार पड़ेगी, अच्छी संस्कार पड़ेगी। इसलिए आप देखना हरि बोल श्री राम प्रभु। हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, जो मुसलमान भाई लोग हैं, देखना शुक्रवार होने पर पता नहीं आप यहाँ करते कि नहीं,
अपना छोटे छोटे बच्चे को टोपी पहना करके ले जाएंगे नमाज पढ़ाने के। अब देखे हो कि नहीं बोलो? हाँ। देखे कि नहीं? हाँ। छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मुसलमान भाई 8-10 साल बच्चों को ले जाएंगे साथ में, चलो नमाज, और मेन रोड में बैठ करके नमाज पढ़ते। आपने कभी कोशिश किया अपना बच्चों को कोई गीता पढ़ाने के लिए? नहीं। तो कभी कोशिश किया बच्चे तू एक माला जब कर? हम बच्चे नास्तिक क्यों नहीं बनेंगे? नास्तिक बनेंगे। देखो जितने ओल्ड हाउस में जाकर के देखना, कोई भी एक मुसलमान भाई को नहीं देखोगे। जितने हिंदुओं को देखोगे, जितने हिंदुओं को ओल्ड हाउस में देखोगे, बोले क्यों? बोले बच्चे में हमने संस्कार नहीं डाले, इसलिए हमें लास्ट में ओल्ड हाउस में फेंक दिया। जाओ वहीं पर पढ़ पढ़ कर सड़ो वहीं पर। अगर बच्चे को संस्कार देंगे, इसलिए माला जरूर लेना कल आकर के स्वयं। देखो पहला गुरु पिता माता, पहला गुरु पिता माता है, सबसे पहले संस्कार पिता माता से पड़ेगा। अगर पिता माता स्वयं हरिनाम नहीं करे, अगर बच्चों को बोलोगे माला करने के लिए, माला करेगा बच्चा? बोलो करेगा? एकदम नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। इसलिए कल जरूर आकर के माला लेकर के जाना। बच्चों को भी बोलो बेटा एक माला, जब उसको स्मार्टफोन पकड़वा सकते हैं, जिस स्कूल में जोर जबरदस्ती उसको भेज रहे हैं, तो उसको भैया 5 मिनट नहीं बोल सकते बेटा तू एक माला जप कर? बोल सकते कि नहीं बताओ? बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हैं। जरूर कल इसलिए आना, आकर के माला लेकर के जाना, खुद भी करना, बच्चों को चुपर में अच्छे संस्कार डाल। अभी उसको दे दो माला, दे दो तो माला दे दो। देखो इतना तो माला है नहीं, लेकिन ये माला कोई लेना नहीं, मेरे को वापस देना है। ये माला को हमें वापस देना है। जिसको इच्छा होगी माला लेने के लिए कल सवेरे आओगे तो हम तुम्हें माला देंगे, ठीक है? सबके सब बांट दो, छोटे बच्चों को मत दिया। प्रभु जी दो दो चार चार दे दो, जल्दी जल्दी करो, पीछे दे दो, दो चार आपस में बांट। प्रभु जी ले लो, आप ले लो, प्रभु जी दो चार आपस में दे दो ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारी दे दो उनको, कोई बीच में दे दो सारी, अपना दे देंगे। हाँ जिनको पास में पहुंच गया तो अच्छी बात है, और जिनको पास में नहीं पहुंचा ना कोई बात नहीं, मेरे साथ में करोगे पूरा फल मिलेगा। अब मेरे पीछे पीछे बोलो, मेरे साथ में बोलो, पूरा फल मिलेगा, ठीक है ना? और आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरण में बैठे, यहाँ पर तो ठाकुर बैठे ही जगन्नाथ जी देख रहे हैं। देखो ऐसे नहीं माला पहुंचाने तो माला नहीं करोगे, क्योंकि जो हरिनाम करेगा उसको पाप ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर? जो करेगा नहीं, जो नहीं करेगा उसके ऊपर सारे पाप बैठेंगे। अर्थात जोर जोर से करो, क्यों? जैसे यहाँ पर समझो 700-800 भक्त लोग बैठे, अगर आप माला तो एक करोगे लेकिन 800 माला करने का फल मिलेगा। क्यों? सब लोग माला कर रहे हैं, सभी का नाम जो कर रहे हैं सभी के कान में आवाज पहुंचेगी, इसलिए 800 माला करने का फल मिलेगा। 800 मतलब क्या जानते हो? आपको आज अपना बैंक में आपको 12 लाख रुपया आज डिपोजिट हो जाएगी। आप विश्वास करते हो? बैंक में 12 लाख रुपया आपकी डिपोजिट होगी। कल कितना मिलेगी? बोले सवा। मीरा कहती है दिन दिन बड़ा तो सवा है, 4 दिन में डबल हो जाएगी, और यही माल ऊपर में पूरा के पूरा मिलने वाला आपको। इसलिए मेरे साथ में सबके सब उच्च स्वर से सबके सब मुंह बोलनी चाहिए, कोई मुंह बंद मत करना, नहीं तो सबको पाप जाएगी। बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सब बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है माला फिनिश खत्म हो गया ना, इसलिए सबके सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, जो लेना है कल मेरे हाथ से लेना।
इसलिए नियम है किसी भक्तों के हाथ से लो वो ज्यादा फलदायी होता है। सबके सब माला वापस दे दो और सबके सब माला सबके सब ले लो, इकट्ठ कर लो। सुमंगला कैन यू स्पीक समथिंग? हरे कृष्ण। सुमंगला कैन यू स्पीक समथिंग? 5 मिनट स्टैंड अप। कम ही है। हाँ देखो देखो, ये एक माता जी है, ये अमेरिका से आई है, ये अमेरिका से आई। हम लोग चाहते हैं भैया अमेरिका चलो। बोले क्यों? बोले वहाँ पैसा ज्यादा कमाएंगे ना, ज्यादा पैसा कमा करके सुखी हो जाएंगे। देखो ये बेटी है, इसकी जो मैया है ना बड़ी बड़ी बहुत बड़ा बिजनेस करती है इसकी मैया, बड़ी धनी घर की लड़की है। लेकिन ये हमारी बड़ी गुरु जी की शिष्या है। कब कोई क्लिक कब कहते, ये हमारी बड़ी गुरु जी की शिष्या है और वो अमेरिका से वृंदावन आई है, मतलब भजन करने के लिए आ रही है, इसलिए कुछ दिन रह करके फिर चली जाती है। नहीं, और बीच बीच में आते हैं और ये लोग बीच बीच में चले जाते हैं। और यहाँ पर भी दो रसिया की जो यहाँ पर दो बेटी थी, ये भी बैठे हुए, उनको एक माइक दे दो दैट साइड, वो उस साइड से चल रहे हैं यहाँ पे। अरे हाथ में दे दो ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। I'm here by the mercy of Guru and Maharshi. I'm very grateful to be here. In life, we're always searching for happiness, and we want to be pleased with our senses. But this body will leave us, we're sure to die, and only bhakti, Krishna bhakti, will give eternal happiness. And Krishna's name is eternal, and by chanting Krishna's name, we can achieve eternal happiness. In this human birth, Hare Krishna. दीदी ने मेरे अपने गुरु जी को प्रणाम करकर बोला, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि सब लोग इसको सुन सके और समझ सके। उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और अपनी शिक्षा गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद बताया कि इस जीवन में सब प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, तो ये खुशी कैसे मिलेगी? Chanting Kirtan, Hare Krishna, Hare Krishna. And America was full of hippies at the time, it was the late 60s, and people were taking drugs and alcohol to try and find happiness. And when the hippies heard Srila Swami Maharaj chanting, then they became inspired and they became devotees and they chanted too, and then they became truly happy. आप लोगों ने इस्कॉन का नाम तो सुना ही होगा। इस्कॉन में शीला स्वामी महाराज जी आए जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और वो विदेश में जाके अमेरिका में जाके हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। दीदी बता रही है मतलब उन्होंने स्ट्रीट पार्क में बैठ के अकेले ही बैठ के मदिरा ले लिया, हरे कृष्ण चैंट किया और उन्होंने इस तरह से प्रचार किया। हाँ देखो, जब इस्कॉन ने जिन्होंने स्थापना किया, स्वामी प्रभुपाद जी को कहते हैं, क्या हुआ ये जब अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए हमारी सनातन धर्म, विदेश में आपको पता होगा बचपन से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करना शुरू कर देते हैं। 13-14-15 साल से वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले ये कहाँ पर जीव इंसान कहाँ सुख ढूंढता है, लड़का लड़की में और लड़की लड़का में सुख ढूंढता है। लेकिन वो जो सुख है हर समय के लिए नहीं, वो शरीर का सुख है, ये सुख शरीर के लिए। दो दिन बाद में कहते ना, पत्नी पहले क्या लगती है, चंद्रमुखी, एक चंद्रमा आकाश में एक चंद्रमा हमारे पास में, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में लगती है सूरजमुखी।
फिर उसके बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते घर में, एक से दो तीन। इसलिए वहाँ के सबसे पहले आनंद ढूंढते हैं लड़का लड़की और लड़की लड़का, लेकिन जब दो दिन बाद में उसको भी सुख नहीं मिलता है फिर कहाँ सुख ढूंढते हैं, पीने में, सिगरेट में। ये आदमी कई कथा सुना रहा, ये सिगरेट और पीने में और सिगरेट में उसको भी लेते हैं, लेकिन भैया वो कब तक आनंद देगा, उसमें भी आनंद नहीं। लास्ट में ड्रग लेना शुरू करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, बड़ा खतरनाक। हीरो लेना शुरू, हीरोइन लेना शुरू करते हैं, और वो सबके सब हिप्पी बन गए थे और बाल बड़े बड़े रख करके, और जब इनकी नशा में पड़े रहते थे पार्क में, जब ये लोग क्या करते थे, किसी जब नशा की समय आता था वो लोग मिलकर किसी दुकान पर आक्रमण करते थे, आक्रमण करते थे और मार पीट करके पैसा किसी तरह से छीन करके फिर नशा करके पड़े रहते थे। अमेरिका ये चीज को किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था, सरकार बड़ा परेशानी हो गया था इसी विषय पर। लेकिन जब स्वामी महाराज अमेरिका गए, वहां पर एक पार्क में एक पेड़ को नीचे केवल बैठे, उनके पास में कुछ नहीं था, उनके पास में मेरे तरफ में देखो केवल उनके पास में दो मजीरा थे, ऐसे ही दो मजीरा, केवल एक वृक्ष को नीचे उन्होंने बैठे बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर का केवल नाम जप करना शुरू किया और कुछ नहीं, केवल इतना कितना ठाकुर का नाम मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर, कितना मंगल भवन अमंगल हरि। वो जितने हिप्पी लोग थे, शराब पीने वाले पड़े रहते थे, अभी ये प्रभु का नाम में तो बड़ा मधुर बड़ा मीठा है, अभी वो धीरे धीरे अपने आप पास माने, अपने आप बैठ करके उनको इतने आनंद इतने खुश उनको मिली। धीरे धीरे ठाकुर का नाम सुनते सुनते धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। इसलिए अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, देखो क्या रिसर्च किया, कहते ना भैया प्रभु का नाम में बड़ा मधुर बड़ा मीठा है, देखो क्या रिसर्च किया। उन्होंने तीन ट्रे ले लिया, तीन ट्रे में साबुत मूंग डाल रख दिया कुछ कुछ, और उसमें पानी डाल दिया। देखा जहां एक ट्रे साधारण जगह पर रखा, दूसरा ट्रे जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था वहां पर रख लिया, और तीसरा ट्रे रख लिया जहां पर रथ म्यूजिक चल रही है। उन्होंने साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, बोलिया भैया क्यों कहें ठाकुर का नाम बड़ा मीठा है बड़ा मधुर है। तीन दिन बाद में देखा जहां पर बेसे ट्रे रखा था ना वहां पर मूंग डाल कर अंकुर आया, और जहां हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था वहां पर देखा दो तीन गुना ज्यादा अंकुर आया, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रही थी वो मूंग डाल में अंकुर ही नहीं आया, उसमें वो मर गया। बोले भैया ठाकुर का नाम में बड़ा शक्ति है ठाकुर का नाम पर है। इसलिए इन लोगों ने अमेरिका में चीज को रिसर्च किया, इसलिए जितने हिप्पी लोग थे धीरे 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 पास में आने लग गए, बैठ करके प्रभु का कीर्तन सुनना शुरू किया। केवल ये हरे कृष्ण सुनते सुनते हिप्पी से हाफी हो गए। देखो पीछे जो दिख रहा है ना जो चित्रपट जो लगा हुआ है, जानते हो किसने बनाया, ऐसे ही एक माता जी है जो पूरा पागली हो गई थी, ड्रग्स लेकर पड़ी रहती थी, लेकिन इनकी प्रचार से केवल हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते। अभी उनका पेंटिंग है कहाँ पर देखो, उनका पेंटिंग और कहाँ पर, ये एक पेंटिंग है, और जो सेवा को जगह जो पेंटिंग है पृथ्वी का सबसे बड़ा, इतने सुंदर पेंटिंग में पृथ्वी में इंडिया ने भी इतना सुंदर पेंटिंग नहीं, वो माता जी ने इतने सुंदर पेंटिंग बनाया, इतने बड़े अभी सारा दुनिया में वो प्रचार कर रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतने शांति, अगर आप अपना घर में जप करो, बच्चों को भी जप कराओ, आप भी जप करो, देखना घर में जितनी दुख कष्ट अपने आप घर से अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर ये अंग्रेजी लोग जो शराब और जो ड्रग लेने वाले, अगर ये लोग अगर हरिनाम करते करते सुधर गए, अगर हम लेंगे तो क्या सुधर ही नहीं, हमारा घर नहीं, हमारा घर बोलो तो वृंदावन बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा तुम्हारी घर,
इसलिए देखो ये अमेरिका बहुत बड़े घर की लड़की लड़की है, लेकिन देखो हम तो चाहते हैं अमेरिका जाकर पैसा कमा कर सुखी होएंगी। भैया अगर सुखी होता तो फिर यहाँ आ करके देखो तिलक लगाई, गले में तुलसी की कंठी माला पहनी, जब पहले वंदना कर रही थी वो संस्कृत भाषा में, वो अज्ञान तिमिराम दस ज्ञान संस्कृत का श्लोक, पर ये क्यों याद करते हैं? हाँ भैया हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो गीता भागवत जैसा ना दुनिया में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, सबके से भगवान की भक्ति करी और भगवान की नाम जप करना। इसलिए वो लड़की को मैंने खड़े किया, हमारे भारत का लोग हाँ सुने भगवान की भजन में कितना आनंद है। अगर हम अमेरिका से आकर के अगर हम भक्ति कर सकते हैं फिर ये लोग भारत ही होकर क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन लोगों का जो वीजा खत्म हो जाती ना, इतने दुखी होते हैं, कहते भगवान आप ये नरक में क्यों जन्म दे दिया। अमेरिका ने कहती ये नरक में क्यों जन्म दिया, हमें ये भारत में क्यों जन्म नहीं दिया। जब जो वीजा खत्म होने पर फिर भागना पड़ता है, हैं? जहां पर राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, वहां पर तो कोई भी कृष्ण कृष्ण राम राम कहीं राधे राधे नहीं मिलता है, हैं? इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो राम के नाम कृष्ण की नाम जप करते, ठीक है। एक बार सब सब हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी हम लोगों से गिरिराज की कथा सुने, आप लोगों ने गिरिराज गए हो, कौन कौन गए गिरिराज? देखो ये गिरिराज को बताया सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ गिरिराज से मांगो गिरिराज वही दे देते। कल मैं बता रहा था ना, अब गिरिराज में देखना वहां पर पत्थर को शिला के ऊपर शिला रखा हुआ, बोले क्यों? बोले जिसकी जितने मंजिली मकान चाहिए, अगर जितने शिला के ऊपर में शिला रख लेते हैं उतना मंजिली मकान गिरिराज में देते हैं। जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी सोचते हैं भैया इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये क्या मांगेगा? जो मांगोगे गिरिराज जी वही दे देते हैं। यहाँ तक भी भगवान की इच्छा को जो पूरी करने वाले गिरिराज। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये संसार की वस्तु तो अपने आप दे देते हैं, लेकिन जब गिरिराज से एक चीज मांगो वो सोचने लग जाते हैं उसको दूं क्या नहीं दूं। बोले वो क्या है? बोले ठाकुर जी का भक्ति और ठाकुर जी का प्रेम। जब कोई मांगते हैं ना ठाकुर चिंता करते, उसको दूं कि नहीं दूं, बोले क्यों देने में दिक्कत क्या है? बोले रुपया पैसा धन दौलत दे करके तो मैं छूट जाता हूँ, लेकिन जब मैं किसको भक्ति देता हूँ ना उसको फिर बंधना पड़ता है, उसका प्रेम में बंधना मेरे को पड़ता है। इसलिए भगवान को अगर निष्कपट होकर के उनकी सेवा और भक्ति मांगो ना, गिरिराज को भी हमें प्रदान करते हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय। देखो ये गिरिराज गोवर्धन आए कहां से और ये कैसे आ गए यहाँ पर, इनकी कथा सुनो। इनकी कथा अलग अलग पुराण में सुनने को मिलता है, गर्ग संहिता, भविष्य पुराण, भागवत, अलग अलग पुराण में कथा मिलती है। बोले एक समय गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण ये दोनों बैठे हुए थे, आपस में हरि आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले ऐसे एक स्थान हो जहाँ पर सुंदर गुफाएं हो, जहाँ पर कुंज हो सुंदर, जहाँ पर पेड़ पौधा हो, झरना हो, सुंदर सरोवर हो, जहाँ पर चार तरह का कमल फूल खिला हुआ हो, जहाँ पर राजहंस क्रीड़ा करते हुए हो, ऐसे एक स्थान हो जहाँ पर ठंडा नहीं गर्म नहीं, एक साथ में छह ऋतु यहाँ पर बहती है। इतने में श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किया, इसलिए बोले प्रकट है मनसा जात। बोले राधा जी की हृदय में ये गिरिराज की प्रकट हुए है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। गाय में आनंद नहीं आ रही लगता है, अभी देखो आज प्रसाद बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, जितना जयकार दोगे ना प्रसाद में उतना आनंद आएगा। इसलिए आज का जो प्रसाद है ना, किसने प्रसाद दिया आज है, तो आज जितने सारे भक्त लोग सब मिल करके आप लोगों का तरफ से प्रसाद है। और देखा हमारे पास में एक पंजाबी माता है,
छतियां पर बैठे, आज तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके अपना घर से लाए। इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ, क्योंकि आप सब भक्तों का प्रसाद महाप्रसाद है। इसलिए राधा जी के हृदय से ये गिरिराज प्रकट हुए। एक दिन कृष्ण से राधा रानी को बोले, राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ में चलो। राधा रानी बोले, मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटराणी नहीं, जहाँ पर नंददान बरसाना गोवर्धन नहीं, भैया मैं वहां जाकर क्या करूंगा, मैं नहीं जाता हूँ, जाती हूँ। कृष्ण ने कहा, देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मरते जगत में उतरूंगा, ये पूरा के पूरा ये गोलोक वृंदावन उतार दूंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ में मेरे ग्वाल बाल, मेरे पिता माता, तू अकेली थोड़ी जाओगी, तेरे सखियां, तेरे पिता माता सबके सब चलेंगे, और यहाँ पर गोवर्धन जमुना राधा कुंड श्याम सब चलेंगे। राधा रानी बोली, फिर तो मैं चलू। इसने जो गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड, ये मरते जगत का वस्तु नहीं, ये बोलो वृंदावन से सबके साथ ये उतर करके आएगी। हाँ देखो गिरिराज कथा सुनो, ये गिरिराज है क्या जी, इनकी दो कथा सुनने को मिलती है। बोले जिस समय भगवान राम माता सीता को उधार करने के लिए पुल बांध रहे थे, और बंदर को आदेश दिया बड़े से बड़े पत्थर उठा करके लाओ, और नल नील को हाथ में स्पर्श कराते थे, उसको ऊपर में हनुमान जी राम का नाम लिखते थे और वो पत्थर तैरता था। हनुमान जी ने देखा बड़े से बड़ी कहीं पत्थर मिल जाए और जल्दी जल्दी फूल बन जाए, मैया सीता की उदार हो जाएगी। उन्होंने ढूंढते ढूंढते सालमल द्वीप पर पहुंचे, देखा गिरिराज गोवर्धन को, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन, बहुत बड़ा गिरिराज गोवर्धन। आप लोग जो गए देखे होंगे, कौन कौन गए गिरिराज जी, इतने बड़े गिरिराज देखे होंगे। पहले ये तो बहुत ऊंचाई थी, धीरे 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 ये नीचे उतर रहा है। माइक वाला है, माइक वाला कि नहीं, बस मैं तेज कर देता हूँ। इसलिए वो गिरिराज धीरे 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 नीचे उतर रहे हैं, विशाल गिरिराज जी। हनुमान जी ने देखा, भैया अगर ये गिरिराज गोवर्धन को उठा करके ले जाओ ना, जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी और मैया सीता की उधार हो जाएगी। इतने में हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा के पूरा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और ले करके आ रहे थे। अभी जहां पर ब्रज में गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। भगवान राम ने बोले, देखो सारे बंदर को बोल दो और पत्थर की जरूरत नहीं, पुल बंध गई है। और हनुमान जी गिरिराज को वहीं पर रख दिए। अभी गिरिराज रोने लग गए, बोले प्रभु आप मेरे को इतने दूर सुलाए और पास में रख दिए, अगर वहां तक जाता तो कम से कम प्रभु चल करके जाते, मैया सीता भी चल करके आती, इनकी चरण स्पर्श सेवा मिलता, मेरे को कहाँ रख दिए। जब रोने लग गए, हनुमान जी बोले, भैया चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, अभी तो थोड़ी सी तुम्हें सेवा मिलता, लेकिन प्रभु जब श्याम बन करके आएंगे तेरे को कनिष्ठ अंगुल को ऊपर धारण करेंगे और सारे ब्रजवासी तेरे नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, कृष्ण गैया चराएंगे, जल विहार करेंगे, रास करेंगे, इससे ज्यादा सेवा की प्राप्ति होगी, चिंता मत करो। ये एक कथा है। दूसरी कथा देखो, जब से गिरिराज गोवर्धन ये गोलोक वृंदावन से आए ये मर्त्य जगत में, इनकी पिताजी का नाम द्रोणा और मैया का नाम द्विधरा, इनकी पुत्र रूप में गिरिराज जी पत्थर रूप में पहाड़ रूप में अवतरण हुए। इतने में स्वर्ग से देवता लोग गिरिराज गोवर्धन को ऊपर में पुष्प की बौछार की और गिरिराज की जयकार दी। बोले श्री गिरिराज बाबा माता है, कोई जयकार नहीं दे रहे। देखो जो जितनी जोर से गिरिराज की जयकार देगा ना, गिरिराज की थोड़ी जाएगी, उतना पाप जाएगी और उतना शांति से पाएगी, सब पाप चल जाएगी। जोर से जयकार लगाओ, पूरा एटा वासियों को पता चले। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अभी पता लग रहा है गिरिराज की कथा हो रही है। इसलिए श्री गिरिराज जब आए सारे देवता लोग जयकार दी। एक कुलस्थ थे, वो रहते थे काशी में।
अब ये भ्रमण करते करते ये पहुंचे सालमली द्वीप में और वहीं पर देखा गिरिराज जी बड़े सुंदर गिरिराज बाबा बड़े सुंदर पेड़ पौधा फल फूल लता पता में भरा पड़ा हुआ गिरिराज गोवर्धन इसको देख करके उनकी लोभ हो गया और उनको पिता माता को पास में बोले आपका बेटा को हमें देना चाहोगे भैया कोई तुम्हारी घर में आए एक बेटा हो बोले बेटा को दे दो आप बेटे को दोगे बोलिए कैसे साहब को कहते बेटे को ही दे दो अगर नहीं दे तो बाबा फिर क्रोध करेंगे बोले भैया बेटे को ही पूछ लो तो जाएगा कि नहीं जाएगा उनने घुमा दिए बोले गिरिराज मेरे साथ में चलना पड़ेगा बोले देखो मैं चलूंगा लेकिन दो शर्त हैं बोले बताओ क्या शर्त बोले पहला शर्त है मैं यहाँ से चल करके नहीं जाऊंगा मेरे को उठा करके लेना पड़ेगा बोले ठीक है बोले दूसरी शर्त अगर कहीं बीच में अपवित्र होकर के मेरे को उतार दिया फिर तो मैं नहीं जाऊंगा बोले कोई बात नहीं वो तो बड़ा पराक्रमी थे उन्होंने गिरिराज को उन्होंने उठा लिया एक हाथ में और उठा करके ले करके आ रहे थे अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए लेकिन वो गिरिराज को रहे हैं राधा जी की हृदय से प्रकट हुई वो तो कृष्ण सेवा के लिए वो आए ही ठाकुर जी से प्रार्थना की बोले ठाकुर जी मेरे को पुलस्तर इसी काशी में फांसी देने ले जा रहा है क्योंकि जो काशी है ना वो मायावादी ब्रह्मवादियों का स्थान है जो भगवान को निराकार निराकार बोलने वाले और जो ब्रज भूमि है ये रस भूमि है बोले कहां मेरे को काशी ले जा रहे हैं ठाकुर जी अपना चरण में हमें स्थान दे दो इतने में इतने जोर से हुल्लड़ ऋषि को लघु संख्या लगे उन्होंने भूल गए सारी प्रतिज्ञा और उन्होंने गिरिराज को ही रख दिए और जब लघु संख्या में बैठे ना घंटे तक लघु संख्या खत्म नहीं हुई बड़े देर में उठी हाथ पैर धो करके जब गिरिराज को उठाए गिरिराज टस नहीं हुए बोले भैया चलो क्या बात है उठ क्यों नहीं उठ रहे हो बोले रिसीवर आपने क्या प्रतिज्ञा की थी मेरे को हाथ ऊपर ले जाना पड़ेगा अपवित्र हो जाए तो मेरे को रखोगे तो उठूंगा नहीं अब घंटे तक अपनी बाथरूम में बैठे रहे मैं नहीं जाता हूँ बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ तू टुकड़े टुकड़े हो जाओगे पल पल में खीण होते जाओगे जब घोर कलयुग आएगा ना फिर गिरिराज रहेगा नहीं उन्होंने कहा देखो मैं तो कृष्ण सेवा के लिए रहना चाहता हूँ कृष्ण आने से पहले अगर टुकड़े टुकड़े हो गया और पल पल में खीण होता रह गया फिर ठाकुर की सेवा कैसे होगा मेरे को इतना आशीर्वाद दो जब तक ठाकुर नहीं आते हैं पूर्ण रूप में रहूं ठाकुर लीला करके जब चले जाएंगे फिर आपके अभिशाप लागू फिर तथास्तु बोलते इसलिए इनकी दो कथा आती है गिरिराज आए कैसे बोले भैया ये गिरिराज कौन है बोले इनके तीन स्वरूप है बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की बांके बिहारी की बांके बिहारी खुश हो गए बोले वर मांगो बोले प्रभु हमें ब्रज में पहाड़ रूप में जन्म दे दो क्योंकि अगर आप हमारे सर के ऊपर में लीला करेंगे आपका चरण स्पर्श मिलेगा तो हम जीवन को धन्य मानेंगे तब ब्रह्मा विष्णु महेश गिरिराज श्री ब्रज में तीन पर्वत रूप में जन्म हुए आप लोग नंदगांव गए हो कौन कौन नंदगांव गए हो हाथ उठा बोले जो नंदगांव है ना नंदगांव नहीं वो नंदीश्वर महादेव स्वयं शंकर जी है अब पहाड़ के ऊपर देखना स्वयं शंकर जी बरसाना गए हो कौन कौन बरसाना गए वो बरसाना नहीं वो ब्रह्माचल पर्वत है जब सारे सीढ़ियों को पार करोगे ना सीधा हाथ में देखना ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है वो ब्रह्मा स्वयं बरसाना और गिरिराज गोवर्धन गए हो कौन कौन गए कहते ये गिरिराज नहीं ये स्वयं भगवान विष्णु है इसलिए इनके एक स्वरूप है दूसरे स्वरूप स्वयं बांके बिहारी है कृष्ण एक रूप में तो पूजा करवाया और दूसरे रूप में पूजा को उन्होंने ग्रहण किया ये स्वयं ठाकुर जी कृष्ण है बोले इनका तीसरा स्वरूप कौन है राधा रानी कहती है बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज बोले भगवान की सबसे बड़े सेवक से गिरिराज क्योंकि कृष्ण गैया वहीं चराए पानी वहीं पिए फल मूल वहीं पर खाए कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में वहीं पर लीला की रास वहीं रचाए इसलिए ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं ये साधारण कोई पहाड़ नहीं आप गिरिराज की कोई भी एक पत्थर उठाने देखना शिला
लेकिन ना किसी रूप में ठाकुर जी की चरण दर्शन मिलेगा, नहीं तो बाल गोपाल स्वरूप का, नहीं तो राम का स्वरूप, नहीं तो नरसिंह भगवान, देखना किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी उसमें दिखेंगे, क्योंकि ये गिरिराज स्वयं श्री ठाकुर जी। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हाँ देखो, एक समय मैया यशोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी, इतने में कृष्ण गए, बोले मैया मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं लाला। बोले फिर दाऊ भैया को? बोले नहीं। बोले फिर रात भर लड्डू कचौड़ी क्यों बना रही हो? बोले जा बाबा के पास में जा। कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठी गई, दाढ़ी पकड़ ली, बोले बाबा बाबा मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? बोले लाला हम इंद्र की पूजा करेंगे। बोले क्यों? इंद्र कौन? बोले स्वर्ग के राजा, क्योंकि हम सबके सब ग्वाला है, हमारी जो मूल धर्म गैया, इनकी अधीन में ये परिजन में ये बारिश ही है, इनके आदेश पर बारिश होने पर घास उगती है, गैया घास खाते दूध देते, दूध से ही मिठाई दही जो कुछ उनके दूध से होता है, इसलिए यही हमारे मूल बिजनेस, इसलिए हम श्री इंद्र की पूजा करते हैं। बोले पिताजी आप कब से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया, जब से होश आया। कृष्ण समझाए, बोले बाबा जो मेन व्यक्ति इंद्र नहीं है, जैसे इंद्र को कोई चीज प्रार्थना करो वो इंद्र आपको दे नहीं सकते, फिर ये इंद्र जी फिर प्रार्थना करते भगवान को, अगर भगवान के आदेश हो फिर जा करके ये इंद्र दे सकता, जैसे यहाँ पर कोई मंत्री होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई जैसे कोई मंत्री होगा, अब मंत्री को कोई चीज बताओ देने के लिए वो क्या दे सकता है? वो फिर जोगी को बोलेगा, जोगी फिर प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, अगर वहां से आदेश होना यहाँ का कोई मंत्री आपको कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। फिर उसी तरह जब इंद्र को आप प्रार्थना करोगे उसका गांठ भी तो है ही नहीं, वो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं भगवान को। बोले पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन है ना, वो गिरिराज नहीं, ये हमारी ब्रज का साक्षात देवता, जब आप इनको पूजा करोगे आप देखोगे। बोले इंद्र पूजा कितने साल से किए? बोले जब से होश आया। बोले देखे हो इंद्र को? दर्शन किए? बोले नहीं। बोले खाते हुए देखे? बोले नहीं। बोले जब आप गिरिराज की पूजा करोगे पिताजी देखोगे स्वयं गिरिराज प्रकट होंगे, जो कुछ भोग लगाओगे सब कुछ ग्रहण करेंगे और आपका आशीर्वाद भी देंगे, दर्शन भी देंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से इंद्र दर्शन ठाकुर का दर्शन मिलेगा? बोले हाँ बाबा। बोले पिताजी गिरिराज से तब फल फूल दूध दही गिरिराज से मिलता है ना? बोले हाँ। बोले साक्षात गिरिराज की क्यों पूजा नहीं करते हो? पिताजी गिरिराज की पूजा करो। नंद बाबा मान गए, बोले ठीक है कल हम इंद्र पूजा नहीं कल गिरिराज की पूजा करेंगे और गिरिराज स्वयं हमें दर्शन देंगे। बोले भिंडरा पिटवा दो कल श्री गिरिराज बाबा की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज महाराज। जितने ब्रजवासी थे ना बढ़िया बढ़िया चकमाल है जो एक किलो रोटी की आटा की पूरी बना रहे थे, बोले भैया गिरिराज के ताई दो किलो आटा की मैं पूरी बनवाऊंगी, जो दो किलो हलवा बनवा रहे थे बोले गिरिराज के लिए चार किलो मैं हलवा बनवाऊंगी, जो एक किलो बेसन का लड्डू बना रही थी बोले गिरिराज के लिए तो दो किलो बनवाऊंगा, सो डबल डबल बनवाए और वहां तो चार ही तरह का चावल लाए, पता नहीं आप लोग कितने तरह का चावल लाए, एक फीकी चावल, एक मीठी चावल, एक नमकीन और एक मटर पनीर डाल करके चार तरह का तो चावल बनवाए और दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी, राड कढ़ी बगैर पकौड़े के और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते हैं, और जो चूरमा बनाए दो तरह का, एक हंसना और एक रोना, हंसना मतलब पतल में रखते ही जो खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है, पराठा का दस तरह का तो पराठा बनवाए, गोभी की आलू की बथुआ की मूली की है मेथी की, इतने पराठा बनवाए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट, नाम पड़ गया अन्नकूट, मतलब क्या? कूट मतलब होता है पर्वत, अन्न मतलब रोटी का पर्वत, पूरी का पर्वत, समोसा का पर्वत, जलेबी की पर्वत, सब पर्वत पर्वत आकार में, और ब्रज में 365 गांव,
तरली बरली सही ऊंचा गाओ नीचा गाओ, अभी भी जाओगे ब्रज में ना तो सब पल्स भी गाँव मिलेगा। इतना खाना लाए पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा गिरिराज ने अभिषेक करवाए। अभिषेक करके गिरिराज के लिए आसन दिया, पाद्य दिया, पुष्प दिया और गिरिराज को बुलाए, बोले हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके पधारो और भोजन पाओ। जब उन्होंने इदम सहित नैवेद्य उपकरण श्री गिरिराज आय सुहाज और बोले सचमुच से गिरिराज स्वयं प्रकट हुए और सबके सब दर्शन कर रहे थे गिरिराज को। श्री गिरिराज महाराज की जय। सबके सब गिरिराज को दर्शन कर रहे थे, विशाल स्वरूप था गिरिराज की। अब गिरिराज जी बोल रहे थे भैया मैं श्री गिरिराज गोवर्धन हूँ। ध्यान देख रहे सुना गिरिराज क्या कहते हैं। जो व्यक्ति आज ये गिरिराज की पूजा में एक अन्न का दाना अगर कोई भोग में लगाया, किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं कही, ये गिरिराज के मुंह से ये बात निकली। अगर आप गिरिराज जाओगे ना बार महीना देखोगे कितने कितने दूर से लोग आकर गिरिराज की रोज रोज छप्पन भोग लगता है, रोज रोज गिरिराज की परिक्रमा तीन रात 24 घंटा देखोगे परिक्रमा लगी रात है, परिक्रमा लग रहा आप देखोगे गिरिराज की, इतने गिरिराज की महिमा। और बोले जो ये गिरिराज पूजा की अनादर करेगा वो कंगाल बने जाएगा है, ये कंगाल बनेगा। इसलिए गिरिराज सबका आशीर्वाद दिए दे करके इतने में गिरिराज जी दोनों हाथ पसार पसार कर खा रहे थे, हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे और मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। बोले भैया और लाओ आनो रे कौन कौन गिरिराज गए हो देखना। परिक्रमा करते समय जो पहला गांव आएगा ना उसका नाम आनुर गांव, क्यों कृष्ण वहीं पर ही गिरिराज की पूजा की थी, वहीं पर बोले और लाओ आनो रे और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु गरीब ब्रजवासी आप इसी में ही खुश हो जाओ, भगवान तृप्त तो हो गए, सबका आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी सब कुछ खा लिए। अभी कृष्ण को साथ में उनको सखा था मधुमंगल, ये ब्राह्मण ये थोड़ा ज्यादा खाने पीने का लोभी, बोले कन्हैया अगले साल से ना तेरी गिरिराज पूजा बंद। बोले क्यों क्या हो गया, बोले यही से भूखे ठाकुर। अरे जब हम इंद्र पूजा करते थे और जो सूखा प्रसाद तो 15-1 महीना तक तो सूखा प्रसाद खाते थे और तेरे ऐसे ठाकुर एक किनका भी छोड़ा नहीं सब सब खा लिया। भैया ऐसे ठाकुर को तो अगली बार हम पूजा ही नहीं करेंगे। कृष्ण बोले ऐसे मत कहा करो, सबके सब आंख बंद करो, सबके सब आंख बंद कर लो। जब आंख बंद किया गिरिराज जी ऐसे हाथ को घुमा लिया, जो 1 किलो बेसन का लड्डू लाया था ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का रसगुल्ला हो गया 4 किलो, जो 4 किलो का पूरी लाया था हो गया 8 किलो, जो 5 किलो का सूजी हो गया 10 किलो, सब डबल डबल हो गया। ब्रजवासी तो तरस उठे, बोले भैया हम तो ठग गए। बोले क्यों, बोले अगर पता चलता ये डबल डबल होगा ना फिर और ज्यादा ज्यादा बना कर दिया है। इसका मतलब है अगर भगवान को कोई चीज भोग लगाओ ना कमी नहीं पड़ता, कहते ना प्रसाद कभी कमी नहीं होता। कृष्ण बोले ब्रजवासियों चलो चकाचक भोजन करो, चलो हम सबके सब परिक्रमा करते परिक्रमा करते। देखो परिक्रमा किसने किया, कृष्ण स्वयं। पहले कौन चल रहे थे, जितने ब्रजवासी ब्राह्मण संत चल रहे थे उनको पीछे, बोले गैया, बोले उनको पीछे, बोले माताएं वो उसको पीछे माताएं और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब कीर्तन करते करते चल रहे थे, चलते चलते राधा रानी सबसे पीछे थी। अभी राधा रानी सोच रही है कृष्ण बीच में राधा रानी पीछे, राधा रानी सोच रही है अगर कन्हैया सचमुच से मेरे प्रिय तब है, मेरी मन की भावना को अगर समझते हैं, अगर कृष्ण आकर के मेरे को स्पर्श करे ना फिर मैं समझूंगा कृष्ण मेरे मन की बात समझते हैं। कृष्ण तो समझ गए राधा जी की मन की बात। अभी सोच रहे भैया राधा जी सबसे पीछे और मैं बीच में, कैसे राधा जी को स्पर्श करूं। उन्होंने क्या किया, एक बछड़े को पीछे मुंह करके उसका पूछ को ऐंट लिया, वो ऐंटते ही वो बछड़ा तो खुदकते हुए पीछे चला गया और कृष्ण बछड़े को लाने का बहाना बनाए और राधा जी को पीछे जाकर स्पर्श कर ली और राधा रानी का हृदय प्रेम में गदगद हो गया। जब फिर
थोड़ी दूर गए, फिर राधा रानी सोच रही है अगर कृष्ण मेरे मन की भाव समझते हैं, एक बार कृष्ण मुझे दर्शन दे दे। अभी दर्शन दे के इसे कृष्ण बीच में, राधा रानी पीछे, इतने में कृष्ण अपना जो गैया चरना लकुटी थी ना, वो लकुटी तो उन्होंने ऊपर में फेंकी। जब ऊपर में फेंक करके कृष्ण बहादुर दिखाते हुए और लकुटी को पकड़ने के लिए छलांग लगाए, जब छलांग लगाए राधा जी की दो आंख पीछे कृष्ण की दो आंख मिलकर के एक हो गया। राधा रानी प्रेम में गदगद हो गई, कृष्ण मेरे हृदय की मन को बात को कृष्ण समझते हैं। ऐसे करते करते पूरी परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की है। इसलिए आज अभी प्रभु जी आपको बड़े सुंदर गिरिराज की आपको सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, परिक्रमा सुनाएंगे। और ये जो ठाकुर जी को ना कहा गए बदन मोहन जी, ये ठाकुर को लेकर के वो बीच में रख लेना। अब जो कीर्तन के बाद में आप लोग यहाँ पर ठाकुर को रखेंगे, गिरिराज गोवर्धन भी है, आप लोग यहाँ पर गिरिराज की परिक्रमा करना, ठीक है। और देखो कल भागवत कथा की विश्राम है, कल भागवत कथा समाप्त नहीं होता है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, ठीक है ना। कल भागवत की समाप्त है और कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की विवाह है, कल धूमधाम से भगवान की शादी होगी। जैसे शादी में बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हैं ना, एकदम लाल लाल रहते हैं, जैसे शादी में जाते हो, कल सज धज करके आना। क्यों? कल ठाकुर का विवाह होगा ना, साधारण शादी में तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हो, कल ठाकुर का शादी होगा ना, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकालना, पटेरी से लेते अलमारी से निकलना। शादी का समय जो लहंगा चुनरी होगा वो खराब हो रहा है, उसको सब निकालना, निकाल करके कल भगवान की शादी में और लास्ट में होली होली कर फूल पूरी होगी, ठीक है कल। और कृष्ण रुक्मिणी की विवाह है, इसलिए कल आप लोग अगर चाहते हो, जैसे रुक्मिणी के लिए अगर कोई साड़ी देना चाहते हो, रुक्मिणी के लिए अगर कोई साड़ी देना चाहते हो, आप लोग रुक्मिणी के लिए साड़ी ला सकते हो। अच्छी साड़ी होगा ना, फिर वृंदावन में हम श्री ईश्वर की राधा जी को पहनाएंगे, ठीक है। और कल श्री सुदामा का भी चरित्र है, जैसे सुदामा जी ने भगवान को दो मुठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। अगर आप लोग चाहोगे तो अपना घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आना, क्योंकि नियम है कथा को बाद में भगवान की चावल खाए उसको थोड़ी थोड़ी सबको लेनी चाहिए। आप लोग अपना साड़ी में यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा चावल दूंगा, आप थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के जाने से, जैसे कृष्ण दो मुठी चिड़वा खाए त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दिया, तो चावल को लेकर घर में रखना, रखने से घर में माँ लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, माँ लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा चावल ले आना, जैसे सुदामा जी ले गए थे, और रुक्मिणी के लिए अगर साड़ी लाओ तो आप लोग साड़ी लेकर खाना, ठीक है। अभी आप लोग खड़े हो जाओ, प्रभु जी आपको बड़े सुंदर भजन सुनाएंगे। और भजन में गिरिराज भजन में सबके संग नृत्य करना और बाद में इसको परिक्रमा लगाना, ठीक है। अभी कीर्तन में नाच लो, फिर परिक्रमा लगाना सीख लो। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गिरिराज धन भगवान की जय, जय श्री राम। उसको बाद में जाकर परिक्रमा लगाना। सबके सब सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नर्मने में तो तंदरवा, गोवर्धन को Hey, 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 hey
Let's go.